क्योंकि अगर हमें किसी को भी मदद करनी है तो हमें भी उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि जिस बारे में हम बात कर रहे हैं या अगर हमने कोई पूछ लिया तो हमारे साथ ही हो रहा है, हो सकता है हमारे आसपास में किसी के साथ हो रहा हो और हम उन्हें मदद करना चाहते हैं, उन्हें अच्छे से समझना चाहते हैं, इस वजह से हम वो पूछ रहे हैं। पर आप लोगों का प्रेजेंस देखिए, अब हम आमने सामने तो बैठे नहीं है, आजकल हम जितने भी सेशंस कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, इसी तरह से कर रहे हैं, इसी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, तो इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई सेशन मत जाने दीजिए जिसमें आप आपकी तरफ से कुछ इंटरेक्शन ना हो, क्योंकि क्योंकि फिर वो अजम्पशन होता है, अच्छा वो यहाँ पर सेशन में तो है, लॉग इन तो किया हुआ है, पर क्या वो सच में सेशन में है? क्योंकि इतना सब सुनने के बाद अपने आप को रोकना और ना बोलना, और वो भी हमारी टीम ना बोले, तो मुझे बहुत हैरानी होती है। तो मुझे ऐसा डेफिनेटली लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं और बिजी है, क्योंकि जब हम आमने सामने सेशन करते हैं तब हमें चुप कराना पड़ता है, अच्छा आप रुको इनको पूछने दो, आप रुको इनको बात करने दो, पर ऑनलाइन सेशंस में ऐसा नहीं हो रहा है। ऑनलाइन सेशंस में कुछ हर बार इंटरैक्ट, आप तो हो नहीं, आपको नहीं दिया होगा, मैंने दिया है। तो इसीलिए प्लीज एक तो सब जने अपना म्यूट पे भी रखिए, ऑफिस में भी जो है और जो बाहर भी है, और आई थिंक हमारे पास थोड़ा सा टाइम अभी और है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10:53 हुए हैं, हम थोड़ा सा देर और वेट करेंगे 5-7 मिनट, एंड देन वी विल बिकॉज राजीव सर, लीना मैम हमारे साथ ऑलरेडी हैं, तो इसीलिए क्विकली अनदर वी विल वेट फॉर अनदर 5 मिनट्स एंड देन वी विल हैंड ओवर द प्लेटफॉर्म टू देम। जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू मोर टू जॉइन इन प्लीज, नो प्रॉब्लम। Yeah, great. So, this is Amit Bose. I just wanted to say hello to everybody, and just to say that I'm so happy to be with everybody here. We are the people who started Impact in way back 17 years ago now, I think, and we have been constantly associated with it, and it's a very proud and happy that कि कहाँ शुरू हुए थे हम एक अलवर की छोटी सी गांव से, एंड नाउ वी आर इन सो मेनी स्टेट्स एंड सो मेनी स्कूल्स। वी अंडरस्टैंड कि अभी यू नो सिचुएशन इज डिफिकल्ट एंड थिंग्स आर नॉट लाइक बिफोर, बट आई वांट टू टेल द टीम कि जो फाउंडर है, हम सब हैं और ट्रस्टीज वगैरह हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सो दैट कि स्कूल सब चले ठीक से, लड़कियों कोई दिक्कत नहीं हुई। सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, and we know you are also trying very hard, but together I think we will be able to come out of this stronger and better. So I just wanted to share this with everybody. Amit sir, if you can just come a little here, you know, we are able to hear you, we are not able to see you, and definitely thank you sir, aur main impact team se sabko batana chahti hu sir, 1978 ke founder batch jinhone impact start kiya, and till today he is actively involved, in fact hamara kafi इंटरक्शन सर से हो रहा है, बिकॉज ही इज हेल्पिंग अस विद लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो यू नो डोनर काउंसिल में फंड जनरेशन हो। सो सर थैंक यू सो मच, इन फैक्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी एन ऑन गोइंग यू नो प्रोसेस, एंड आप प्लीज इसी तरह से इन्वॉल्व रहिए, बिकॉज वो हमें भी बहुत ज्यादा यू नो मोटिवेशन देता है, एंड इट्स अ सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट फॉर अस टू। No, definitely, definitely. As I said, we will do our best, what we can do, and जो हमारे से होती है, हम कोशिश करते जाएंगे. Right. So, don't lose heart. We will definitely come out of this stronger and better, and we'll continue our mission. हमारे mission एक ही, जब हम शुरू करे थे, आपके share करना चाहता हूँ. हमारे mission एक दिन ये impact की कोई जरूरत नहीं हो, क्योंकि सारे लड़कियाँ देश में पढ़ाई खत्म कर देंगे और उनके लिए अच्छे स्कूल्स होंगे सब जगह वगैरह होगा, तो बहुत दूर लगता है, तो हम विल कंटिन्यू, बट ये हमारे विजन थी कि भाई एक दे इसकी जरूरत ही नहीं, तो अगर वी हैव टू रीच दैट मिशन आल्सो वेयर एवरी गर्ल इन दिस कंट्री इन द विलेजेस विल बी एजुकेटेड विल बी इंडिपेंडेंट, यही हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए अभी लीना जी की सेशन है, आई एम गोइंग टू लिसन एंड देन वी टच अप लेटर। राइट, थैंक यू सो मच फॉर encouraging words, Amit sir.
एंड टीम हमारे पास 3 मिनट का समय है, अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज। ठीक है, आई फील सब जने कंफर्टेबल हैं, सब जने प्रेजेंट हैं, सब जने एक बार अपना कैमरा और अनम्यूट करके सब गुड मॉर्निंग कर देते हैं लीना मैम को, एंड देन वी विल हैंड इट ओवर टू लीना मैम, प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम। Lina, your voice is not very audible. You may need to come closer to the microphone. Is it better, Rajiv? Yes, now it's better. Okay, great. Okay, great, Lina ma'am, over to you, please. Okay, so good morning, everyone. Namaskar. I'm Lina, and main aaj aapke coach aur facilitator hoon. And just thoda introduction mere bare mein. मैं 30 साल से कोच और फैसिलिटेटर हूँ, बहुत इंडिया में और विदेश में। सो और मैं इमोशनली की पार्टनर हूँ emotionally.in, और कल तो हमारा सेशन हुआ ही आपके साथ, आपको मालूम है ऑनलाइन थेरेपी कंपनी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कुछ हाउसकीपिंग डिटेल जो हम कहते हैं वो है कि जैसे प्रीति ने कहा था कि हम एक दूसरे को जज ना करें, जो भी मन चाहे हम सवाल पूछें या कोई एडिशन करना है, कोई कमेंट करना है वो भी कर सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, हम अपने आप को ना जज करें कि मैंने क्या सही कहा है या गलत कहा है, या मैं ऐसे अपने आप को साबित करूं या जो भी, वो बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही ठीक है, कोई इस सेशन में कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है। हम लोग सब अपने आप का ओपिनियंस दे रहे हैं, और तो आप वैसे ही कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि आप प्रेजेंट रहें, मतलब इस मोमेंट में रहें, तो आप अपना जो भी फोन वगैरह, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हो, कॉल्स वगैरह, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि ये आप थोड़ा म्यूट पे रखें या बंद कर दें, ताकि आप खुलेआम यहीं पे हों और यहीं पे फोकस करें। और हमारे मुझे मदद करने वाले राजीव हैं जो कैलिफोर्निया में रहते हैं, तो उनके लिए बहुत देर हो चुकी है रात को, तो भी वो मदद कर रहे हैं और वो मुझे स्लाइड्स वगैरह का मदद करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए वही है। और कल आपने तो हमारा दूसरा सेशन देखा ही था, पहला सेशन एंग्जाइटी डॉक्टर रोमा से। अच्छा राजीव, नेक्स्ट प्लीज। Next, please. हाँ, so आज हम क्या करने वाले हैं? अभी हमको हम लोग सब लॉकडाउन में रहे हैं, अभी भी चल रहा है कहीं सेंटर्स में, कई जगह, और 4 महीने हो चुके हैं। और अभी हम उसके बाद हम कैसे बाउंस बैक करें? हम बोलते हैं बाउंस बैक मतलब जैसे हम पहले काम करते थे और उससे भी अच्छी तरह काम करें। और आप थोड़ा म्यूट पे रखें। हाँ जी, थैंक यू। अच्छा, तो नेक्स्ट प्लीज राजीव। सो कल हमने क्या सीखा, कोई बोलना चाहेगा कि क्या कुछ खास चीजें जो आपके मन में अभी तक अच्छी तरह से आप समझे हैं और आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपनी जिंदगी में, तो कल आपने क्या सीखा डॉक्टर रोमा से हमारे एंजाइटी सेशन पे? कोई कहना चाहेंगे, कोई शेयर करना चाहेंगे? यस टीम, कोई कुछ बोलना चाहेगा? आई थिंक लीना, आई विल जस्ट स्टार्ट, आई एम श्योर टीम विल आल्सो शेयर। आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, यू नो, कल हम जो बेसिकली ये कह रहे थे और हमने जो बात की और उससे निकल के आया, दैट इट्स ओके टू यू नो टेक हेल्प। अगर हमें कहीं पर भी मदद की जरूरत है और हमें कोई बात करने की किसी से जरूरत है, सो इट्स एब्सोल्युटली ओके। इनफैक्ट हमें आगे बढ़कर अपने फ्रेंड्स से या फैमिली से या जिसके साथ हम कंफर्टेबल हैं उसके साथ बात करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, और कहीं हेल्प की जरूरत हो तो उसे लेनी चाहिए।
सही बात है. और कोई कुछ? एंड थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी दिक्कत इज नॉट डिप्रेशन. कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसे हम डील कर सकते हैं. इट्स नॉट डिप्रेशन कि क्रॉनिक डिप्रेशन हो गया है. दिस इज व्हाट वी थिंक ऑफ कि ये छोटी सी प्रॉब्लम आई है, कुछ भी हुआ है, दैट इज डिप्रेशन. हम डिप्रेशन में चले गए, बट ऐसा नहीं है. छोटी मोटी चीजें हैं, यू कैन हैंडल इट वेरी वेल. थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की जरूरत है बस. बिल्कुल बिल्कुल. और कोई? थोड़ा एंगर मैनेजमेंट के बारे में भी समझा के जब गुस्सा आता है तो उस चीज को कैसे काबू करना है, और इमोशनल आउटबर्स्ट होता है तो उस सिचुएशन में मेजरली क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि वो अच्छी तरीके से हैंडल भी हो जाए और किसी तरह का हार्म भी ना हो. बिल्कुल, थैंक यू. और कोई? एक एक्सरसाइज भी की थी हम लोगों ने मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए. एक साउंड हमने सुना था जिससे हमारा स्ट्रेस कम हुआ था, और एक हमने एक्सरसाइज भी की थी योगा की. तो वो अच्छा लगा आपको? यस, काफी मतलब हेल्पफुल है वो. मतलब माइंड पे एक पीसफुल माहौल के लिए हम क्रिएट कर सकते हैं अपने माइंड में. और मैम साउंड, एक साउंड सुनने के साथ साथ हम लोग एक प्राणायाम भी किए थे जिसके दौरान हम अपने आप को कैसे रिलैक्स रख सकते हैं, अपने मन को कैसे शांत रख सकते हैं, स्ट्रेस को कैसे दूर रख सकते हैं सारी चिंताओं से. तो ये भी एक हुआ था. बिल्कुल. और ये हम हर दिन हमारी जिंदगी में, दिन शुरू होने के पहले, काम शुरू करने के पहले, ये सब हम छोटी छोटी चीजें हैं जो करने से हमें बहुत शांति मिलती है, हमारा दिन बहुत अच्छी तरह से शुरू हो सकता है. बहुत अच्छे टिप्स है. और कोई? मैम कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और हमें उनके रास्ता निकालना चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए, उससे भागना नहीं चाहिए. बिल्कुल किरण जी, वो सबसे जरूरी. आई मीन जिंदगी नहीं है अगर प्रॉब्लम्स नहीं है, राइट? हर दिन कुछ ना कुछ, कोई छोटी हो समस्याएं होती है, कोई बड़ी होती है, पर कुछ ना कुछ तो होती ही रहती है. ये तो बहुत बोरिंग हो जाएगी जिंदगी, नहीं? यस मैम. एंड आई थिंक सबसे पहले तो एक्नॉलेजिंग दैट एंग्जाइटी इज फॉर रियल, बिकॉज मोस्टली हम लोग जब बात कर रहे होते हैं तो शायद देयर आर मेनी पीपल हु डू नॉट इवन लाइक नो दैट एंग्जाइटी एग्जिस्ट इन ऑल ऑफ अस. So probably that would be the starting point ki, you know, we all acknowledge that anxiety is for real and it's there and it's a part of everyone's life and it's natural to have anxiety. Absolutely, Mamta. I agree with you, you know. And I mean it's better to acknowledge it than to constantly push it under the carpet and usko dhaankna chahe to fir wo badhti jati hai. फिर वो एक्चुअली इट कैन रीड टू द लेवल ऑफ डिप्रेशन. पर छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर हम बात करें उसके बारे में तो फिर वो हल हो जाता है. हाँ रुक्मणी. एंड इफ वी सी दैट देयर इज अ प्रॉब्लम विद अस, वी शुडंट शाय फ्रॉम यू नो गोइंग टू अ प्रोफेशनल. तो ये बात हुई कि अगर हम डॉक्टर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास या काउंसलर के पास हम जाए तो ये एक स्टिग्मा नहीं अटैच्ड होना चाहिए उसके साथ. इट्स एज ओके एज गोइंग टू अ डेंटिस्ट और टू अ जनरल फिजिशियन. सो इट शुड बी एज पार्ट ऑफ योर नॉर्मल लाइफ एज एनीथिंग एल्स. एब्सोल्युटली, बिकॉज इट्स नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, इनफैक्ट इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ दैट यू हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस इन योरसेल्फ. यस. Okay, right. Next, Rajiv. So I think सबसे पहले जैसे आप कह रहे थे हमें acknowledge करना चाहिए कि हम काफी 4 महीनों में हमने कैसे कैसे चीजें को हमने क्या सोचा था कि हम ये सब चीजें कर पाएंगे. अभी आप देखें हम कैसे adapt किए हैं, हम कैसे innovate किए हैं, घर के अंदर बंद रहे थे इतना time. तो हम लोग ने सोचा भी नहीं था भाई घर से काम करना पड़ेगा, वो इंटरनेट चलेगा, सब लोग घर पे होंगे एक साथ, कोई जो थोड़ा बहुत जो काम या मदद करने के लिए कोई आ रहे थे वो भी नहीं आ सकते हैं.
तो हम जूम कॉल्स, आई थिंक शुरुआत में हम लोग को मालूम ही नहीं था बहुत लोगों को कि भाई जूम होता क्या है. और फिर अभी लोग, हम सुन रहे हैं कि लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं जूम पे. तो जब पहले बार मेरे एक फ्रेंड ने मुझे फोन करके कहा कि आज शाम को हम लोग एक जूम पार्टी करेंगे, तो मैंने सोचा क्या है जूम पार्टी. जूम पार्टी क्या होता है? पार्टी, लोग जान एक साथ रहे, पर ये क्या? पर हम लोग उस, यू नो, वी अडैप्टेड, वो भी हो गया. और फिर आपका जो इम्पैक्ट का जो कोविड कैंपेन है, वो आप लोग ने, यू नो, बहुत अच्छी तरह सॉर्ट ऑफ, यू नो, कोविड कैंपेन किया है. आप गए, आप, यू नो, आपने वो गेम स्नेक्स एंड लैडर्स किया है इसी समय में. फिर हाँ, वो कोविड, अभी आपने कोविड का सर्वे भी किया है. वो सर्वे का आई थिंक मेरे ख्याल अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं, पर वो कि एम्प्लॉयमेंट में क्या इम्पैक्ट होगा वगैरह वगैरह, तो वो आएगा. फिर हम जैसे घर का काम तो हम सभी करते हैं, पर हर चीज करना, और हर आदमी या बच्चे को खुद भी अपना अपना काम करना, मदद करना, वो भी एक काफी बड़ी सॉर्ट ऑफ लर्निंग थी. यू नो, मेरे हस्बैंड जैसे, वो कोई वो कोई खास काम शाम नहीं करते थे घर पे, और वो, यू नो, बहुत थोड़ा बहुत जैसे है, अरे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ले आओ, इसमें थोड़ा नमक कम है, इसमें थोड़ा ये ज्यादा है. अभी वो ये सब देख के 4 महीने में उन्होंने अभी कंप्लेन करना भी बंद कर दिया. सो हम लोग, और जो हमें मदद करते हैं, जो कभी कभी आके थोड़ा बर्तन करते हैं या कुछ और करते, हम उन्हें भी बहुत अप्रिशिएट करने लगे. अभी हम देख रहे हैं कि हम लोग ने वीडियो देखा है, फोटोज देखा है कि दीपिका पादुकोण भी झाड़ू लेके अपना घर साफ कर रहा है. हमें भी ऐसे, हमें, हाँ, वो बड़े बॉलीवुड स्टार सब चीज कर सकते हैं, तो हम तो जरूर ही कर पाएंगे. तो और दूसरी चीज है, हमें सिर्फ समय मिला है, टाइम टू रिफ्लेक्ट. टाइम टू रिफ्लेक्ट मतलब जैसे, हाँ, क्या जरूरी है, क्या सबसे मेरा अहम चीज है मेरी जिंदगी में, मुझे क्या करनी चाहिए, किस पे मुझे ज्यादा, यू नो, पहले शायद मैं इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करती थी इस पे या उस पे, तो मुझे किस चीज पे एक्चुअली मुझे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, क्या जरूरी है. आई थिंक सबसे जरूरी चीज है, हम लोग सबने सीखा है, वी लर्न टू डू मोर विथ लेस. पहले ये भी खरीदो, वो भी खरीदो, ये भी सब्जी चाहिए, वो भी सब्जी चाहिए, भी जो भी घर पे था, जो भी दाल था, तो किसी को मूंग दाल पसंद थी तो किसी को अरहर दाल पसंद थी, नहीं, जो भी था घर में हम लोग ने मैनेज कर लिया, और खुशी से, और मैनेज कर लिया ना. इनफैक्ट हम लोग ने काफी कम खर्चा भी किया है, मेरे ख्याल से हमारा तो काफी सेविंग भी हो गई है इस समय में, कि हमने फालतू में चीजें नहीं खरीदा है. अभी भी ऑनलाइन शॉपिंग है, और मैं मेरी बेटी से बात कर रही थी उस दिन, तो उसको शॉपिंग कुछ खास ही पसंद है, तो ऑनलाइन चीजें देखती रहती है. अभी मुझे बोल रही थी, मम्मी पर मैं खरीदू तो पहनू कहाँ, तो और जब तक सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा एकदम, सब लोग, यू नो, शादी वगैरह होगी, ये होगी, वो होगी, तब तक तो फैशन भी बदल जाएगा, तो काम का के मैं वेस्ट क्यों करूँ. और ये मेरा चप्पल था, वो बहुत अच्छी तरह से 4 महीना चल गया, तो मैं दूसरी सैंडल क्यों खरीदू. तो ये अभी हमारे मन में, और ये सब बहुत पॉजिटिव चीजें हैं, बहुत अच्छी तरह हुई, पर हम लोग बहुत ब्रेव भी रहे हैं, बहुत बहादुर भी रहे हैं. हम लोग अपने आप को बहुत शाबाशियां देना चाहिए, हम लोग को पहले अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम लोग ने भी कितना अडेप्ट किए, कितने इनोवेट किए. हम लोग बहुत बहादुर थे भाई, मालूम नहीं था कल क्या होने वाला है, अभी भी मालूम नहीं है, पर वो तो बहुत ही खराब था और शुरुआत में, पर ये था कि भाई कल कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, खाने को क्या मिलेगा, क्या कोविड हमारे घर के अंदर आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, क्या होगा, पूरा दुनिया ने शटडाउन किया है. और फिर एक, हम लोग काफी लोग ने घर बैठे बैठे बोर भी हो रहे थे, इंटरनेट को भी सर्व किया, कुछ नई चीजें सीखे, या खाना बनाने सीखा, या कुछ सिलाई करने सीखा, या कोई, किसी ने बोला अच्छा भाई मैं थोड़ा ऑनलाइन एक कोर्स कर दूं एक नए भाषा सीखने में, कुछ शब्द, या मैं कुछ, अभी तक तो मैं सोचती थी कि, या मैं सोचता था कि मैं इस चीज में गुड हूँ,
अभी देखते हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, देखूं और क्या कर सकते हैं और क्या नए सीख सकते हैं। तो आई थिंक हम लोग अपने आप को बहुत कम शाबाशियां दे रहे हैं कि हम आज यहाँ तक पहुंच गए हैं करीब 4 महीने के लॉकडाउन पे, और हम लोग ने अपनी जिंदगी, हम यूज टू भी हो गए, अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह भी बिताया है। नेक्स्ट राजीव प्लीज, नो द वन बिफोर दैट प्लीज, द वन बिफोर दैट, या सो अगर मैं आपसे पूछूं कि नो द वन आफ्टर दिस प्लीज, या थैंक्स राजीव। So, अगर मैं आपसे पूछूं, एक चीज है जो शुरुआत में जब ये शुरू हुई जो आपको लगा कि आपने सोचा ही नहीं था कि मुमकिन है कि मैं कर पाऊं कि नहीं, या मैं कर पाऊंगी कि नहीं। जैसे मैंने सोचा था कि मेरा रूटीन नहीं होगा, मैं घर पे हूँ तो जब भी उठूंगी, कभी भी खाऊंगी, कभी भी काम करूंगी, यो मैंने इतना सोचा नहीं था। एक चीज हो गया कि बहुत रूटीन हो गया, एक्सरसाइज का रूटीन हो गया, उठने का रूटीन हो गया, काम करने का रूटीन हो गया, खाने का टाइम का रूटीन हो गया, फिर से एक्सरसाइज करना, फ्रेंड से बात करना, मेरे माँ से बात करना, सब, और ठीक समय पर सोने का रूटीन हो गया, एंटरटेनमेंट का भी रूटीन हो गया। तो मैं, मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी एक रूटीन, एक नियम फॉलो कर पाऊंगी। तो बोला हाँ अभी यू नो जब भी टाइमिंग नहीं होगा। और पूरे घर में मैं देखती हूँ, मेरी बेटी का, मेरे हस्बैंड का, मेरा, हम लोग सब का एक रूटीन हो गया। सो आप में से कोई बताना चाहेंगे, आपने क्या नहीं सोचा था कि आप कर पाएंगे और आपने किया? आई थिंक आई एम श्योर इसपे तो बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आएंगे, बट यू नो आई एम वर्किंग एंड यू नो आई टेक केयर ऑफ यू नो होम, एंड पर कभी भी ऑफिस से लेट होता था या कभी थक जाते थे या कभी मन नहीं होता था, तो सैटरडे संडे की वेट नहीं करनी होती थी, बस खाना ऑर्डर करना होता था। आई फील बिना बाहर का खाना ऑर्डर किए हुए रहना इज समथिंग यू नो, और थके हुए भी हो और कुछ भी प्रॉब्लम हो तब भी नहीं यार इट्स बेटर एंड इट्स सेफ कि खुद ही बना लो और यू नो सब। आई थिंक बिना ऑर्डर किए हुए रहना इज अ बिग अचीवमेंट। थैंक यू वेरी मच प्रीति, बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। और कोई बताना चाहेगा कोई एक चीज जो था या थी या है जो आपने जिंदगी में नहीं सोचा था? यस गाइस प्लीज आप अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए, किसी के लिए भी वेट मत कीजिए, आप क्विकली खुद ही कर सकते हैं। फॉर 3 months रोज आई हैव कुक्ड which I didn't think was a possibility at all. So, yeah. So that is one thing I did. I am sure. Thank you. Yeah. Wonderful. Aur koi? मैम मैं पिछले 25 सालों से समाज सेवा के कार्यों में लगा हुआ हूँ और कभी भी मुझे ऐसा मौका नहीं मिला था कि मैं इतने समय तक के लिए घर पे रुका हूँ। और ये पहले बार हुआ है कि मैं पिछले 3-4 महीने से घर पे हूँ। हाँ बीच में 1-2 बार कहीं जाकर के आया हूँ, बाकी जितना भी टाइम है मैं घर पे रह करके जितना भी काम करना था वो किया। इसके अलावा मेरा एक छोटा खेत भी है, तो सुबह शाम मुझे जो भी टाइम मिलता था उस समय मैं खेत पे भी जाकर के थोड़ा बहुत काम करके आता था। तो ये एक मेरा एक नया अनुभव रहा है कि हाँ मैं खेत पे कुछ काम कर सकता हूँ। वेरी गुड, थैंक यू। So, नया स्किल भी हो गया साथ साथ कि बहुत सारी चीजें आपने सीखी होगी उधर। जी थैंक यू। और कोई? हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहेगा प्लीज? जी मैम, इसमें लास्ट फ्यू मंथ्स में मैंने था कि जिस तरह हम काम करते हैं उसमें हमें एक्सेल की काफी ज्यादा जरूरत थी, तो मैंने एक बुक लेकर के और उसके थ्रू और कुछ यूट्यूब पे वीडियो देख करके एक्सेल पे काम करना और एक्सेल की न्यू ट्रिक सीखना स्टार्ट किया। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो अभी भी एक्सेल पे काम नहीं कर सकती, आपने मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया दिया है, वैसे ही सीखूंगी। जी मैम। सर, इसमें डेट ऑफ टाइम, तो इसके आता है ना, मिस्टी की इसके ऑनलाइन सबमिशन पे, वही मैंने आपको, अब डेट ऑफ टाइम तो वो मेंशन नहीं करते इसमें,
और कोई शेयर करना चाहेगा? यस मैम, देबोलीना। हाँ देबोलीना बोलो। मैम बेसिकली जो ये लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग ने और एक चीज सीखा, वो कैसे हम लोग मैनेज करें, मतलब घर का काम से लेते हुए ऑफिस का काम सब कुछ देखते हुए कैसे उसको मैनेज करें, और ऊपर से खुद के जो मतलब इन दिनों में हम लोग को खुद के ऊपर जो टेक केयर करना चाहिए उसको भी हम लोग कैसे करें, तो एक टोटल एक मैनेजिंग एक चीज आ गया है जिसके थ्रू हम लोग खुद को मतलब सब कुछ संभाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सब चीजें संभाल सकते हैं और हमारे एक्चुअली हमारे हमारे हाथ में हमारे मुट्ठी में कर सकते हैं सब। सुनील आप कुछ कहना चाहेंगे? यस मैम, हम मैम मैं बताना चाहूंगा कि मैं लास्ट 12 या 13 इयर्स आफ्टर मैं इतना अपने घर पे रुका हूं, और इस दौरान काफी मतलब जो होम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो देखने में आई कि कितने काम होते हैं घर पे भी, क्योंकि हम इन सब चीजों से काफी मतलब दूर थे, और बहुत सारे काम सीखने को भी मिले, देखने को भी मिले, और बहुत सारी चीजें भी सीखी। लाइक जैसे अभी अनुज ने शेयर किया, एक्सेल में काफी सारी चीजें सीखी, कुछ इंग्लिश को लेकर के भी हमने काम किया अपनी सेल्फ की, और कम्युनिटी में भी हमने कुछ काम किए हैं, मतलब जैसे प्लांटेशन वगैरह में हेल्प करना यहाँ पे लोगों में, जो हमारे यहाँ पे मतलब अभी नए नए लोग कर रहे थे उनके साथ में जुड़ के काम किया यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम मतलब अपने लोकल ग्राउंड पे आके काम करने का मौका फर्स्ट टाइम ही मिला है। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ये जो कोविड है पहली बार पूरी दुनिया में फैली हुई, इसमें कोई ना जात पात है ना यू नो कलर है कि भाई यू नो काले लोग को होते हैं या हम लोग को होते हैं या गोरे लोग को नहीं होते हैं, ना रिलीजन ना धर्म देखा ना जात पात देखा ना कुछ, सबको इफेक्ट कर रहा है। तो सब लोग मिलजुल के बोल रहे हैं कि भाई ये हमारा कॉमन एनिमी है, हमारा कॉमन शत्रु है, इसको हम कैसे खत्म करें। तो हम लोग ने ऐसे भी देखा है कि पूरा दुनिया एक साथ हो गया है, विच यू नो अभी हम लोग सब वॉर शोर के बारे में सोचते हैं, पर ये ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया को एक साथ सब लोग काम करें, एक साथ सब लोगों को मदद कर रहे हैं। फिर मैं देख रही हूँ कि मेडिसिन अमेरिका यहाँ भेज रहे हैं, हम कहीं और भी भेज रहे हैं, इस देश को मदद कर रहे हैं। हमारे बिल्डिंग में मैंने देखा है कि भाई मैं बॉम्बे में रहती हूँ, तो मैं देखा मेरे बिल्डिंग में कि एक एल्डरली कपल रहते हैं, तो उनकी वाइफ जो है वो व्हील चेयर पे है। तो ये एक ये सब 16-17 साल के लड़के जो साइकिल पे हैं, तो उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आपको जो चाहिए, जो एल्डरली पीपल हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको बाहर निकलना मना है, तो वो एक ग्रुप बनाए, और हर सुबह आके कि आप वो ग्रुप पे लिखे कि आपको क्या सब्जी चाहिए, क्या ग्रोसरीज चाहिए, तो वो आके एक बॉक्स रख जाते थे और बोलते थे, आपको मैसेज करते थे कि भाई इतना इतना पैसा लगेगा, 80 रुपया या 100 रुपया, तो आप वहाँ दरवाजा के बाहर रखें और वो रखें। तो मैं देखती हूँ ऐसे बहुत, तो लोगों को बहुत खुशी भी हुई कि एक दूसरे को मदद कर सके। आई थिंक दैट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ रेजिलियंस, कि हम दूसरे के काम आए, हम दूसरे को मदद कर सके, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है रेजिलियंस। नेक्स्ट प्लीज राजीव। अभी हमारा सबसे बड़ा उदाहरण एग्जाम्पल है अमिताभ बच्चन, अफसोस है कि उनको भी अभी कोविड हो गई है, पर उनका जो कैंपेन था कौन बनेगा करोड़, कब तक रोकोगे आप हमें, कब तक रोकोगे, मैं उसे वो रिजिलियंस के मैं समझती हूँ कि सबसे बड़े उदाहरण है हमारे लिए देश पे। आपको किसी को याद है उनकी कहानी कि उनको क्या हुआ था, कौन सा फिल्म था जिसके सेट्स में उनको क्या हुआ था, आपको याद है, कोई बताइए? शायद मैं कुली के सेट पे कुली पिक्चर में उनको चोट लगी थी, और उनकी किडनी पे इफेक्ट पड़ा, एंड उसको पुलिस ऑफिसर ने एक एक्शन सीन में पटक दिया था। बिल्कुल, और उन्होंने क्या किया था, पूरे देश ने उनके लिए प्रार्थना किया, उनके लिए प्रार्थना, मॉस्क में गए, चर्चेस में गए, टेंपल्स में गए, जहाँ पे भी सब लोग ने, पूरा देश
मिलजुल के, और वो वहां से निकल आए, वो वहां से वो फाइट करके निकल आए. फिर उन्होंने एबीसी कॉरपोरेशन लगाया, वो जो एक बहुत बड़ा फिल्मों को मदद करते थे, एक एबीसी फाइनेंशियल कंपनी था, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े लॉस में गया, बहुत बड़े लॉस में 200-300 करोड़, वो भी हर पैसा चुकाए. तो ये हमारे लिए इंडिया में एक बहुत बड़े उदाहरण है, और हम लोग सब प्रे करते हैं कि वो कोविड से जल्दी ही, क्योंकि वो इस देश के लिए बहुत जरूरी आदमी है, और हम लोग सब प्रे करते हैं कि वो इससे भी अपने रेजिलियंस के द्वारा, अपने सहनशीलता के द्वारा, अपने अंदर का जो ताकत के द्वारा वो वापस निकल आए. नेक्स्ट राजीव प्लीज. सो अभी कैसे लग रहा है आप लोगों को, अभी कैसे लग रहा है, कैसे फील कर रहे हैं आप लोग? Fit and fine. और कोई कैसे लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि हम इस जो कोविड की प्रॉब्लम से जूझते हुए अपने कामों को कैसे सही तरीके से कर सकते हैं, और इससे बच करके भी कैसे हम रह सकते हैं. तो जो प्रोटेक्शन के चीजें हैं वो काम में लेते हुए हम अपने कामों को आगे बढ़ाएं. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू रामचंद्र जी. और कोई? मैम फीलिंग बेटर इन कंपैरिजन टू लास्ट 3 मंथ्स के, जो लास्ट 3 मंथ्स में जो हुआ. हेलो. मतलब आउटिंग कर सकते हैं, इधर बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं. तो जिस तरह पहले 3 मंथ्स में स्टार्टिंग के बिल्कुल एक तरह की जेल टाइप हो गया था, तो उससे थोड़ा भी बेटर फील हो रहा है. जरूर जरूर. तो हम वो अप्रिशिएट करते हैं कि भाई अभी थोड़ा आउटिंग भी हमें बहुत अच्छी लग रही है. पहले हम लोग रोज इधर उधर जा सकते थे, हम लोग ने बॉदर ही नहीं किया, और अभी हम अप्रिशिएट करते छोटी 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 मोटी चीजें जो हम अभी अप्रिशिएट करने लगे. और कोई? और कोई? अच्छा, शेयर करना चाहेगा? आपको कैसे महसूस हो रहा है अभी, कैसे लग रहा है? I think I'll just share, you know, ये पिछले 2-3 महीने में बड़े ही mixed emotions थे. I feel, you know, we have gone through, you know, highs and lows, and you know, एक चीज की वजह से दूसरी चीज पर असर पड़ना. कुछ अच्छी भी चीजें थी और कुछ ऐसी भी चीजें थी जिसमें डर था, बट अब धीरे धीरे लग रहा है कि चीजें नॉर्मल हो सकती है. और इनफैक्ट हमने इस टाइम पे बहुत कुछ सीखा भी है, यू नो, एक दूसरे के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, यू नो, चेंज के बारे में, चेंज लाइफ में कितना यू नो इम्पोर्टेंट है, और किस तरह से आप हिम्मत रखते हुए उस चेंज के साथ आप आगे बढ़ सकते हो. इनफैक्ट अब हमारी आई फील कि थोड़ा सा अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं रहती है, बट स्टिल चीजें नॉर्मल हो रही है, एंड यू नो वी आर प्रीटी हैप्पी अबाउट दैट. करेक्ट करेक्ट. थैंक यू प्रीति. और एक मैम होप डेवलप हो गया है कि आगे चल के भले केसेस बढ़ रहे हैं बट हम उस पे कंट्रोल कर सकते हैं, और कितना भी करें मतलब वो डर जो था वो बहुत ज्यादा वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे. क्योंकि अभी तक हो रहा था मीडिया में सिर्फ वही चीजें दिखाई जा रही थी, अलग चीजों को छोड़ दिया गया था, सिर्फ कोविड कोविड कोविड. तो काफी मतलब जो माहौल था वो एक अलग सा क्रिएट हो गया था. हर व्यक्ति के जुबा पे देखें तो बस कोरोना का ही नाम था, और चूंकि कहीं दिख नहीं रहा था तो लोग इसको अफवाह में मिथ में भी चले गए थे कि मतलब ये कुछ नहीं है, तो बाहर की बीमारी है, और ये वो नहीं है ऐसा कि हमारे यहाँ पे भी आ सकता है, और ऐसा वैसा मतलब बिलीव जो था वो लोग, क्योंकि घरों में हो नहीं रहा था, आसपास गांव में दिख नहीं रहा था, तो लोगों को लगा ये गवर्नमेंट ने अपने बेनिफिट के लिए कर लिया है. अब जब पूरे वर्ल्ड में दिख रहा है तो समझ आ रहा है लोगों को यहाँ ये बहुत बड़ी बीमारी है, और इससे मतलब काफी टाइम बाद हम लोग मतलब फ्री भी हो जाएंगे काफी जल्द, जिस हिसाब से काम चल रहा है, सारे लोग लगे हुए हैं. हेलो. हाँ जी सुनील, बिल्कुल आपकी बात सुनिए. आई थिंक लीना मैम के एंड पे शायद थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है, शायद से हैंग हो गया. सो लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स. आई एम श्योर इट विल बी फाइन. वापस आ जाएंगे वो लोग, उनको वहां पर जहां पर हैं वो इतना इंटरनेट अच्छा नहीं है वहां. ओके, सो दैट इज प्रोबेबली द रीजन. बॉम्बे के बाहर हैं ये लोग.
Oh, okay. इतने में और भी अगर कोई शेयर करना चाहता हो तो प्लीज कीजिए. मैम जब मैं हामिद बोल रहा हूँ. स्टार्टिंग हुई थी कोरोना की मतलब मार्च के टाइम पे, तो मतलब हर जगह मीडिया में ये खबर था कि बिहार की स्थिति काफी खराब होगी क्योंकि यहाँ मतलब डॉक्टर्स की कमी है और सारे इक्विपमेंट की कमी है, हॉस्पिटल वैसे नहीं है. लेकिन आज के डेट में, आज के ही पेपर में था कि बिहार के मतलब ऑलमोस्ट 71.2% के आसपास लोग रिकवर्ड हो चुके हैं कोरोना से और ये मतलब उतना खतरनाक नहीं है. तो मतलब एक थोड़ा सा अच्छा लगता है कि अब लोग थोड़ा सा मूव कर सकते हैं बाहर. हालांकि मतलब कल से फिर से लॉकडाउन हो रहा है स्टेट में बिहार में और 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है फिर से. लेकिन लोगों के अंदर से अब जो पहले वाली थी कि डर बहुत ज़्यादा था, लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे या हम लोग भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, कहीं बाहर निकल नहीं रहे थे ऑलमोस्ट. मतलब मैं तो 20-22 दिन के बाद घर से निकला था जब लॉकडाउन हुआ था. तो स्टार्टिंग में मतलब घर के अगल बगल भी कहीं नहीं निकला था, लेकिन अब ऐसा नहीं है और लोग थोड़ा सा प्रिकॉशन भी रख रहे हैं, तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है. हम लोग इससे रिकवर जल्दी हो सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि स्टार्टिंग में मैंने न्यूज देखा तो ऐसा लगा कि जिसको कोरोना हो गया वो बिल्कुल ही मतलब उसकी डेथ हो गई, मतलब वो मरेगा ही मरेगा ये समझ. मतलब उस टाइम एक ऐसा मन में माइक बन गया. तो हमें घर में भी जाते हुए मुझे ये लगता था कि मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि तू घर कब आएगा, तो मैं बोलता था अभी नहीं, क्योंकि मेरे को लगता था अगर मैं ट्रेवल करूंगा कहीं मैं इन्फेक्टेड होकर घर ना चला जाऊं और उनको ना हो जाए और कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए. तो देन मेरे एक फ्रेंड को कोरोना हुआ, दो तीन लोग थे, तीनों को हुआ तो पॉजिटिव हो गए, उनको सिम्टम्स नहीं थे. तो मैंने उनसे तीनों से उनका एक्सपीरियंस पूछा कि भी कैसा लगा. उन्होंने बोला यार कुछ नहीं. मैंने कहा सर्दी जुकाम कुछ ऐसा फील हो, उसने बोला कुछ नहीं हुआ, हमारी पहली तीन रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई, फोर्थ और फाइव जो चौथी और पांचवी रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई. और मैंने कहा कोई दवाई कोई मेडिसिन? उन्होंने बोला कुछ नहीं, हम सिर्फ क्वारंटाइन सेंटर में थे, वहाँ पे डॉक्टर डेली चेकअप करते थे और हमें कोई दवाई नहीं दी गई. सिर्फ उन्होंने क्या काम किया कि गर्म पानी से हमें यूज करने को बोला कि बस सिर्फ ल्यूक वाटर लेना है, बाकी और कुछ हमें ट्रीटमेंट स्पेशल नहीं दिया उन्होंने. तो एक होप हुआ कि अगर ये है कि ऐसा भी नहीं कि ठीक हो सकता है बिना दवाई के भी. जब उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं तो बिना दवाई के हम लोग ठीक हुए, तो एक होप हुआ कि नहीं, जितना मीडिया में दिखाया जा रहा है, जितना चीजें मार्केट में फैल रही है इसको लेकर के, उतना ये है नहीं जितना इसका एक हाइप क्रिएट कर दिया गया मार्केट. और वो भी नहीं, थैंक यू ये शेयर करने के लिए. पर दूसरी बात है कि यस, एक्सट्रीम केस में जरूर जिंदगी लाइफ जा सकती है, पर हम शुरुआत में, अभी हम लोग सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें जो हम कर सकते, जैसे आपने बोला थोड़ा गर्म पानी पियो, थोड़ा गार्गल करो, थोड़ा पैरासीटामोल लो, ये सब चीजें. और क्या सिम्टम्स है, क्या नजर आ रही है, तो ये आई थिंक बहुत जरूरी है. और दूसरी चीज है, अभी बहुत हो गया, खाली मीडिया को देखना, हर सुबह देखना भाई केसेस बढ़ गए हैं कम हो गए हैं इस एरिया में, इट्स कैरी ऑन विद आवर लाइव्स. क्योंकि हम कितना दिन इस डर में रहेंगे, लेट्स कैरी ऑन विद आवर लाइव्स. आई एम नॉट थिंकिंग हम लोग को अपना ध्यान एंड ख्याल नहीं रखना चाहिए, जरूर अपना खुद, अपने समाज का, अपने एरिया का, अपने गाँव का, अपने देश का, हम लोग सबको ख्याल रखना चाहिए. पर ये जो खाली नेगेटिव न्यूज़ सुनना, नेगेटिव चीजें देखना, उल्टा देखना कि भाई हम इससे कैसे निकल पाएंगे अगर हो जाएगा. और जैसे आपने कहा कोई स्टिग्मा नहीं है. अभी अमिताभ बच्चन को हो गया, उन्होंने क्या किया, वो आके सबको बोले देखो मुझे कोरोना हुआ है. पहले एक स्टिग्मा सी चल रही थी, अरे इसको है वो, जैसे यू नो पुराने जमाने के वो अछूत है या ये है या वो है. वो सब चीजें दिन ब दिन हम लोग ही जिम्मेदार हैं इन सब चीजों के लिए. ये स्टिग्मा उतारनी चाहिए कि भाई हमें कैसे अपने आप को और दूसरों को कैसे मदद करें, एडवाइस कैसे दें. और अभी डॉक्टर्स भी बोलने लग गए हैं कि पहले डॉक्टर्स को भी मालूम नहीं था, ये अननोन चीज थी कि भाई क्या है ये कोविड, ये क्या है कोरोना. अब डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि भाई हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है, घर पे ये दो तीन चीजें कर सकते हैं इंसान. और फिर जैसे आपने कहा कि आपके फ्रेंड्स को हुआ और दो तीन दिन में ठीक भी हो गए, तो ऐसे एक्सट्रीम केसेस नहीं. हाँ, एक्सट्रीम केसेस के लिए हम लोग को भी प्रिपेयर होना चाहिए, हम लोग को भी विजिलेंट होने चाहिए कि भाई अगर ये हो तो क्या हो सकता है. ठीक है, थैंक यू. धीरे धीरे कोरोना को बहुत इंसल्ट फील होगा. हाँ, हम लोग सबको आशा है.
कि कोरोना भाग जाएगी इस दुनिया से, जो पहले उसकी इमेज थी अब वो इमेज खत्म होती जाएगी। जरूर उनका यू नो इमेज खराब हो रही है दिन ब दिन। नेक्स्ट प्लीज राजीव। थैंक यू। हेलो। तो हम कह रहे थे ये रेजिलियंस के बारे में, रेजिलियंस है क्या, वो सहनशीलता या अपने जिंदगी को कोप कर सके। तो रेजिलियंस का एक मॉडल है कि भाई एडवर्सिटी हमारे जिंदगी में कुछ कठिनाई है, हो सकते है कोविड, हो सकते है बहुत इलनेस हो, बीमारी हो, या कोई फाइनेंशियल सेटबैक हो, या यू नो हमारे माँ बाप के साथ हमारे परिवार में कुछ बहुत बड़ी, तो वो कह रहे हैं कि एक एडवर्सिटी होती है, उसको हम कैसे मैनेज करें, फिर उसमें हम उसको मैनेज करने के लिए अपने अपने आप में क्या बदलाव लाया है, कैसे नई नई सोच लाए हैं, हमने कैसे अडेप्ट किया है, इनोवेट किया, और फिर हम वापस कैसे खुलते हैं, बाउंस बैक, जैसे गेंद को जैसे आप नीचे फेंके ना तो वो कैसे उछल के वापस आता है, उछल के वापस कैसे आए। तो ये है एक रेजिलियंस का मॉडल। तो कि एक एडवर्सिटी होगा, कुछ कठिनाई होगी, हम उसको कैसे झेलेंगे और हम वापस कैसे बाउंस बैक करेंगे। तो कोई और बताना चाहेगा कि क्या और दूसरे, अच्छा एक और नेक्स्ट प्लीज राजीव, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है रेजिलियंस। एक दूसरा डेफिनेशन है लर्निंग टू बेंड नॉट ब्रेक व्हेन टाइम्स आर टफ। तो मुझे ऐसे दृश्य नजर आ रही है मेरे आपके सामने कि मैं तो एनीवे बॉम्बे में रहती हूँ और अभी बहुत जोर से बारिश है इसलिए इंटरनेट अंदर बाहर जा रहा है, तो माफी चाहती हूँ इसकी। तो वो एक जैसे एक कोकोनट ट्री है, पाम ट्री, नारियल का पेड़ है, तो इतनी जोर से हवा आई, अभी हमारे यहाँ साइक्लोन थी 2 हफ्ते पहले, जोर से, पर वो कोकोनट ट्री, वो नारियल का पेड़ हिलता रहता है, वो बेंड होता है पर वो ब्रेक नहीं होता है, अपने आप को खत्म नहीं होने देता है। तो वो है एक्चुअली वो रेजिलियंस का मतलब है। तो हाँ हमें झेलना पड़ेगा, हाँ हमें बेंड करना पड़ेगा, पर हमें ब्रेक नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट प्लीज राजीव। तो अगर हम अभी एक ये छोटी सी वीडियो देखेंगे जो बच्चों के बारे में, एक और एक खिलौने के मैसेज क्या है इस वीडियो में, और ये वो जो बच्चे हैं हमें क्या बता रहे हैं?
मैम हम जितना जल्दी गिर जाते हैं तो उतना जल्दी हम उड़ भी जाते हैं। वो जो सिचुएशन होता है, वो जो परेशानी है, उससे हम उतना जल्दी ओवरकम भी कर सकते। बिल्कुल अनुज। और कोई? हेलो मैम। हेलो मैम, इसमें गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। इसमें बोल रहा है कि जितने बार हम लोग गिरेंगे उससे ज्यादा हम लोगों को फिर से कम बैक करना है, ठीक से काम मतलब करके फिर से उठना है, ये बोल रहा है। जरूर, बिल्कुल। और कोई और? मैम इसमें बोल रहा है ये कि हमें लाइफ में जितनी भी मुश्किल आए हमें उनका डट के सामना करना चाहिए। बिल्कुल। और कोई? जो मैं समझ पाया वो ये है कि जैसे ये टॉय है और बच्चे उसको बार बार नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज लाइफ विच विल नॉक यू डाउन एवरी टाइम, बट देन यू हैव टू बी लाइक द टॉय कि जो वापस से फिर उतनी ही शिद्दत से खड़ा होता है और वापस से फिर वैसे ही जैसा पहले अटल था वैसे ही अटल रहता है। और चाहे कितनी बार भी ऐसा होता रहे वो मतलब ओवरकम कर लेता है उस सिचुएशन को, वो गिव अप नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और कोई और शेयर करना चाहेंगे? आपको क्या लगा इस वीडियो को देख के, क्या महसूस हुआ? बिल्कुल, तो यही बता रहे कि ये इस जो टॉय है, ये जो खिलौना है, इसको जैसे भी किसी डायरेक्शन पे हम फेंके तो भी अगर हम रेजिलिएंट है, अगर हम में सहनशीलता है, तो हम बाउंस बैक कर सकते हैं, वापस उछल के वापस आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज राजीव। तो फिर से हम मॉडल देखते हैं, ये हमारा एडवर्सिटी है, हम इसको मैनेज करते हैं। नेक्स्ट प्लीज राजीव। नेक्स्ट प्लीज। तो सबसे जरूरी चीज है कि हमें एक्सेप्ट करने के लिए कि भाई ये जो है ये हमारी असलियत है। बैक प्लीज, वन स्लाइड बैक प्लीज राजीव। हाँ, थैंक यू। सो ये न्यू रियलिटी क्या है, ये जो नई चीज जो हो रही है हमारी जिंदगी में। सो एक चीज है कि अभी तक हमें कोई वैक्सीनेशन नहीं है, हमें एक्चुअली कुछ मालूम नहीं है। हमको मालूम है कि भाई क्या छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं हम कोविड के लिए, पर अभी तक कुछ इलाज नहीं है, ये रहने वाली है। वैसे ये हमें एक नई जिंदगी, वी विल हैव टू एडजस्ट टू अ न्यू लाइफ। ये न्यू लाइफ हो सकता है कि भाई वर्क फ्रॉम होम होगा, हमें कोई रिवाइज करना, हमारा लर्निंग मॉडल जो है हमें उसको रिवाइज करना होगा। जैसे आप देखें अभी हम लोग सब इंटरनेट पे बैठ के कहीं कहीं गांव में कहीं कहीं जगह स्टेट्स में हम लोग बात करें, मैं बैठी हूँ और आप लोग इधर अलग अलग जगह में बैठे हैं, हम लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं। एक नया मॉडल है, नया लर्निंग मॉडल है, ये ऑनलाइन लर्निंग मॉडल है। और वैसे ही हमारे जो इम्पैक्ट की जो लड़कियां हैं, हम उन्हें कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसे है कि सिर्फ सपोर्ट नहीं, सिर्फ की तालीम में नहीं, सिर्फ एजुकेशन में नहीं, सपोर्ट दूसरी चीज़ों में भी, उनको जिंदगी के बारे में, उनको जो कठिनाई के बारे में, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसे टीचर्स है, ग्रोनअप्स है, और भी चीज़ों को हमें उनको मदद करनी पड़ेगी। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, ये है नई रियलिटी। और कुछ कोई बोलना चाहेगा? मोहम्मद आप बोलना चाहेंगे कुछ? तो इसके लिए, नेक्स्ट प्लीज राजीव। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि हम एक चीज है जो हम कर सकते हैं, वो हमें फोकस करना। ये एक स्टीवन कोवी है, बहुत मशहूर मैनेजमेंट गुरु है। तो इनका था कि ये कंसेंट्रिक सर्कल्स, इनर सर्कल एंड दिस आउटर सर्कल। इनर सर्कल जो है जो आपके काबू में है, जो आपके कंट्रोल में है, जो आउटर सर्कल है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग को क्या करनी चाहिए, जो हमारे काबू में है, जो हम कर सकते हैं,
उसी पे हम फोकस करें। अगर हम सर जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि भाई हमें रोज पेपर्स में देखते हैं इसके बारे में उसके बारे में, जो हमें हम फोकस कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं, जो हमारे काबू में है, जैसे कि आप लोग ने खुद किया है कि हम देख सकते हैं कि हमारा घर साफ सुथरा रहे, कि हम जिनको पढ़ाते हैं जिनके साथ काम के भी कोविड में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी हम फिक्र करें कि भाई ये वैक्सीनेशन कौन से दिन में कौन से साल में तैयार होगा, या फ्लाइट्स कब शुरू होंगी, या हम ट्रेन पकड़ के कब दिल्ली से मुंबई जा सकेंगे। ये सब चीजें हमारे कंट्रोल, ये सरकारी मामला है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारे काबू में नहीं है। सो हमें फोकस करना चाहिए जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, खुद कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे कि जितना हम खुद कंट्रोल पाएंगे, हम देखेंगे कि हमारा जो कंट्रोल का सर्कल जो है ना वो और बढ़ता जाएगा, वो बड़ा होता रहेगा, क्योंकि हम ज्यादा चीजें कंट्रोल पाएंगे। अगर हम फिक्र ना करें कि इसका क्या होगा उसका, हमारे कंट्रोल के बाहर है, वो नहीं कर सकते हम कि अभी कब गवर्नमेंट बोलेगा कि हम लोग सब काम पे जा सकते हैं, फुल खुलेआम जा सकते हैं, कब हम हमको मास्क नहीं पहनना पड़ेगा, कब ये सब चीजें हमारे कंट्रोल, जो भी हम खुद कर सकते हैं और खुद अपने हम एटमोसफियर में अपने जो कंट्रोल में, जो अपने बच्चे हैं, जो अपने परिवार है, जो अपने माँ बाप है, अपने जो गर्ल्स है स्कूलों में उनके माँ बाप हैं, हम उनको क्या तालीम दे उस पे फोकस करें। नेक्स्ट प्लीज राजीव। तो मैं चाहती हूँ कि आप बता सकते हैं, शेयर करना चाहेंगे कि क्या कंट्रोल कर पाए आप अभी तक, एक चीज दो चीज छोटी मोटी चीज आपके कंट्रोल में क्या और आप क्या कर सकते हैं और कर पाए हैं इन 3-4 महीनों में, बताइए। हेलो मैम। हाँ जी मैम, जहाँ तक कंट्रोल की बात है तो जैसा आपने बताया कि एक इनर सर्कल और आउटर सर्कल दोनों चीजें हैं, ये चीजें मैं काफी टाइम से फॉलो करता हूँ, मैंने पहले भी काफी एक जगह पढ़ा हुआ है। तो मैम मैं अभी जैसे कोरोना के टाइम पे हम देख रहे हैं कि कहीं जॉब लॉस हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं सैलरी रिडक्शन हो रहा है, कुछ भी बहुत सारी चीजें हो रही है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, हम बाहर भी फ्रेंड से सुनते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि मुझे मेरे काम पे फोकस करना है और मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ कि जो जो मुझे काम दिया गया है, जिस तरीके का मुझे वर्क मिल रहा है, मुझे वो करना है, दैट इज फाइन। आगे जो होगा वो जो होगा सबके साथ होगा या जो होगा देखा जाएगा, मतलब मुझे मेरा काम अच्छे से करना है, दैट इज फाइन, ये मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं इसी को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। वेल सेड कुलदीप, वेल सेड। और कोई मैडम? जो अभी सिचुएशन बनी उस सिचुएशन में हम अपने काम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए ये था कि एक तो ये हो सकता था कि हम चुपचाप बैठे रहें और इंतजार करें कब स्थितियां सामान्य हो, लेकिन हमने ऐसा नहीं करके सोचा कि हमारे टीचर हमारे साथ में हैं और उनको हमने ट्रेंड भी अलग अलग चीज़ों के लिए किया है, चाहे वो कोविड अवेयरनेस को लेकर के हो या फिर हमारा जो एकेडमिक सेशन है उसको लेकर के हो। तो हमने थोड़ा सा चेंज ये किया कि हम बच्चों की गैदरिंग नहीं करेंगे, हमारे टीचर बच्चों के घर तक पहुंचेंगे, 2 बच्चों के साथ में 3 बच्चों के साथ में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए उनके साथ में डिस्कस करेंगे और हम अपना जो बच्चों का एजुकेशन है वो छूटे नहीं, इसलिए उनको छोटे छोटे समूह में बांट करके कुछ होमवर्क उनको दिया जाए और वो होमवर्क वो करके अगले 4-5 दिन के बाद में वापस टीचर से मिले, उस समय वो सब चीजें दिखाएं और जो जो प्रॉब्लम्स आई है उनका सॉल्यूशन वो फिर अपने टीचर के माध्यम से करें। साथ ही जो टीचर के सामने सब समस्याएं आ रही थी उन समस्याओं को हमने जो हम जो कॉन्फ्रेंस कॉल या फिर मीट कॉल के थ्रू उन टीचर से बात की क्या क्या समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे पास में जो सुझाव थे वो दिए। इसके अलावा टीचर्स के पास में बहुत सारे सुझाव थे, उन सुझावों के माध्यम से एक टीचर से दूसरे टीचर के पास में इन्फॉर्मेशन गई और ये इस प्रकार से हम अपने काम को हालांकि स्पीड थोड़ा धीमा है लेकिन हम कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया,
क्योंकि जो ही हम कर पा रहे हैं वही हम कर सकते हैं, हमारी सोच को चेंज कर सकते हैं और हम लोग कैसे अडेप्ट कर सकते हैं। और कोई मुझे, हाँ जी मैम, मुझे इसमें दो चीज आई है मेरे, मतलब जो मेरे को समझ में आ रहा है, कंट्रोल्स जो हम कर सकते हैं इनर कंट्रोल में, कि देखिए जिस तरह का भी माहौल है उसमें हम लोग दुनिया तो नहीं बदल सकते कि ठीक है भैया हम कोविड की वैक्सीन तो नहीं ला सकते, बट ये है कि मैं कैसे सेफ रख सकता हूँ और अपनी फैमिली को कैसे सेफ रख सकता हूँ ये मेरे कंट्रोल में है, उसको मैं जो है उसके प्रिकॉशंस और जो उसके मुझे लेने हैं वो मैं ले सकता हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक तो मैम ये है, दूसरा अभी जिस तरह का भी राम सर ने भी किया उसी में ऐड करूंगा, जैसे कुछ जगह हम जो है कोविड की अवेयरनेस कर पाए अपने कुछ एरियाज में जहाँ पे हम बच्चों के साथ काम कर रहे थे, बट कुछ एरियाज ऐसे हैं जो इंटीरियर में है जहाँ नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, वो हमारे कंट्रोल से बाहर था, वो हमने कहा कि उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वहाँ नेटवर्क तो अवेलेबल है ही, तो उसको हमने छोड़ दिया कि ठीक है जब कभी वहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट होगा देन हम वहाँ पे काम करेंगे, वहाँ पे उनको कोविड के बारे में अवेयरनेस, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटीरियर में है, एक तरह का ट्राइब्स एरिया है बिल्कुल, बट जहाँ पे हम कंट्रोल में थी सिचुएशन, जहाँ पे मूवमेंट कर सकते, फोन एक्सेसिबल था, वहाँ पे हम लोग हमने किया ये कोविड का अवेयरनेस सोसाइटीज को किया। खासकर एक इश्यूज है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं वहाँ हाइजीन को लेकर के, बच्चों की हाइजीन को लेकर बहुत इश्यूज है, तो उनके बारे में उनको अवेयर किया, तो ये हमारे कंट्रोल में था ये हमने किया, लेकिन जहाँ कंट्रोल में नहीं था वहाँ पे हमने छोड़ दिया कि वहाँ भी अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो भी आप कर सकते हैं, जो आपके काबू में है, आपका आपके कंट्रोल में, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत, और खुद ही वैसे ही फैलता है, जो आप जो कंट्रोल आपके कंट्रोल में आप किसी को सिखाएंगे वो आगे सिखाएंगे, वो आगे सिखाएंगे, तो ऐसे ही बढ़ता रहता है। कोई और शेयर करना चाहेंगे कुछ? Okay. ये तो खत्म हुआ। नेक्स्ट राजीव। सो मॉडल को देखते हैं तो हम, हमारे एडवर्सिटी है, हम एडवर्सिटी में हम कैसे कंट्रोल कर पाए, जो हमारे कंट्रोल में है हमें एक्सेप्ट किया कि ये है, ये सच्चाई है, ये असलियत है, ये रियलिटी है, उसको कारपेट के नीचे तो नहीं फेंका जैसे कल हम छुपाया, जैसे हमने कल बोला कि भाई एंग्जायटी को अंदर कारपेट के नीचे मत छुपाओ, आके बोलो, डिस्कस करो, वैसे ही हम लोग ने सामना किया उसका, फिर हम अडेप्ट और इनोवेट कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज राजीव। तो ये एक वीडियो है अडेप्टेशन पे, देखिए। नेक्स्ट प्लीज। तो ये वीडियो हमें क्या बता रहा है? ये वीडियो हमें क्या बता रहा है? आपने, आपको क्या लगा इस वीडियो के बारे में, क्या बता रहा है? मैम ये वीडियो में जो एक मैसेज था वो मेरे को ये क्लियर हुआ कि उस मैसेज के थ्रू ये बता रहा है कि जो सर्कमस्टेंसेस है उनके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना। बिल्कुल। और कोई
यस मैम, इससे परिस्थिति के अनुसार हमें सब चीज को अडॉप्ट करना है, जहाँ पे जैसे परिस्थिति आएगा उस हिसाब से हमें करना है, खुद को अडॉप्ट करना है। करेक्ट अभिषेक, परिस्थितियों में खुद को कैसे डालना जी, बिल्कुल। और ये जो अडैप्ट करना है डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में, मगर वो अकेले नहीं होगा, यू नो यू नीड अ पुश एंड यू नीड अदर्स टू मोल्ड यू आल्सो। एब्सोल्युटली, सब पूरा टीम का की जरूरत है। और ये भी दिखाया है कि जैसे वो जो बड़ा वाला था, जो बड़ा आदमी था, जो बड़ा वाला था वो डूब गया, और वो छोटे वाले जो वो आके उसको मदद करके, तो कोई भी किसी को भी मदद कर सकता है। ये नहीं है कि मैं बड़ा हूँ तो मुझे, और मैं बहुत yes. सब कुछ मालूम है तो मुझे कुछ किसी की मदद की जरूरत नहीं है। सबको सब समय किसी ना किसी की जरूरत होती है, पड़ती है। और कोई बताना चाहेगा? मैडम, मेरे जो समझ में आया कि हमको जैसी परिस्थितियां हैं उनके अनुरूप ढलना चाहिए, और केवल हम ये सोचें अकेले हम सारी चीजों से या मुश्किलों से पार पा लेंगे तो संभव नहीं है। ऐसे में हमको अपनी यूनिटी बना करके नई परिस्थितियां पैदा करनी होगी और जो स्थितियां हैं उनको बदलना है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल 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 सही कहा। और फिर मौसम भी चेंज करता है, पहले था सनशाइन था, फिर बादल आ गई, बारिश हो गई, तो कॉन्स्टेंटली हमको लगातार हमें चेंज करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज राजीव, वापस मॉडल देखते हैं। हमने एडवर्सिटी के बारे में देखा, अडैप्टेशन एंड इनोवेशन में देखा, अभी कैसे वापस बाउंस बैक कैसे करेंगे। नेक्स्ट प्लीज राजीव, आई थिंक सबसे जरूरी चीज है जो आई थिंक काफी लोग इस लॉकडाउन में, हमारे पास थोड़ा बहुत समय भी था, अपने आप का ध्यान रखने का, अपने आप का ख्याल रखने का। जैसे अगर आप प्लेन में जाएं तो वहाँ पे एक डेमो करती है एयर होस्टेस, वो बोलती है कि जब ऑक्सीजन मास्क गिरता है तो पहले अपने आप को अपने आप पे लगाएं, उसके बाद बच्चों को या बूढ़ों को या जो भी हमारे साथ सफर करे उनको मदद करेगी। कि पहले अगर आप अपने आप को नहीं मदद करेंगे और अपने आप का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप किसी का भी पूरा सब चीज ही टूट जाएगा, सब चीज खत्म हो जाएगा। सो सेल्फ केयर जो हम बोलते हैं, अपने अपने मेंटल सेल्फ केयर, अपना फिजिकल सेल्फ केयर, अपने इम्प्रूवमेंट का सेल्फ केयर, ये सब चीजें सबसे जरूरी है। सेल्फिश नहीं है, ये नहीं है कि मैं सेल्फिश हूँ कि मैं सिर्फ अपने बारे में। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे पहले तो आप अपने परिवार को, अपने लोगों को, किसी का भी मदद नहीं कर। तो सबसे पहले सेल्फ केयर सबसे जरूरी चीज है। नेक्स्ट प्लीज, अपने आप को जैसे थोड़ा रीसेट करना पड़ेगा। हम कैसे करते हैं रीसेट? जैसे हम करीब लाइक कंप्यूटर को रीसेट करें, या अगर हम अपना फोन को रीसेट करते हैं, या ये जो क्या बोलते हैं हम से रीबूट करते हैं। हाँ, कंप्यूटर को कैसे रीबूट? अपने गोल्स थे, अपने कुछ मकसद थे, अपने कुछ गोल्स थे, और हमने सोचा कि हाँ इस साल में हम ये कर पाएंगे। जिंदगी बदल गया है सब, तो उससे अभी अलग होना चाहिए। हमारे प्रायोरिटीज क्या हैं, सबसे जरूरी चीज क्या है, और क्या एक्सपेक्टेशंस है? हमारे एक्सपेक्टेशंस को भी हमें बदलना पड़ेगा। शायद हमने सोचा था कि हम घर खरीदेंगे या कुछ खरीदेंगे, नहीं हो पाएगा, गर्मी की छुट्टियों में हम यहाँ नहीं जा सकते। नेक्स्ट प्लीज राजीव, तो हम रीबैलेंस अपने आप को कैसे करें? जैसे पहले सिर्फ हम अभी हम घर पे रहते हैं या घर पे रहे तो हमने देखा कि दूसरे काम में कितना टाइम लगता है, या हम पहले सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते, ऑफिस का काम, बाहर का काम, यू नो मेरा स्कूल का काम, मेरे इसका, अभी परिवार के बारे में भी हमको रीबैलेंस करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि
कोई ठीक से चल रहे हैं, कोई नहीं ठीक से चल रहे, क्या हो रहा है अपने आप जरूर, और जैसे मैंने कहा पहले, और अपने समाज, अपने सोसाइटी, अपने उसके बारे में भी हमें बहुत जरूरी है कि हम उनके बारे में भी सोचेंगे। नेक्स्ट प्लीज राजीव, अपने आप को रिचार्ज कैसे करें, जैसे हम बैटरी को रिचार्ज करते हैं, अपने आप को रिचार्ज कैसे करें, सो शायद एक नया आउटलुक, नई सोच, नया आउटलुक, एक नया अप्रोच। तो मेरा एक ये एक उदाहरण के तौर पे, सचिन तेंदुलकर तो आप सभी जानते हैं, तो वो जब ऑस्ट्रेलिया में गए थे इंडियन क्रिकेट टीम के साथ, तो उन्हें वो कवर ड्राइव खेलना बहुत पसंद था, बहुत, मतलब वो टेम्प्ट हो जाते थे जो भी करते थे, कभी ना कभी कवर ड्राइव, और कवर ड्राइव एक बार नहीं, दो बार, तीन बार। तो ऑस्ट्रेलियन लोग जो हैं उन्होंने बहुत उनको स्टडी किया और उनके बहुत सारे तस्वीरें देखे, सारे टीवी प्रोग्राम्स देखे उनके पहले इनिंग्स के बारे में, उन्होंने ये सोच लिया कि भाई इनको कवर ड्राइव तो हम उनको टेम्प्ट करें, अटेम्प्ट करने और वो आउट हो जाते थे, 20-30 रन बना के शुरू में आउट हो गए। तो सब लोग ने बोला कि भाई, सो सचिन के साथ टीम मीटिंग हुई कि उसके बड़े स्कोर्स नहीं हो रहे थे तो क्या होगा, सो टीम मीटिंग में लोग ने सब देखा और बोला कि भाई देखो, इन्होंने अभी आपको जांच चुके, बोले कि आपको जो कवर ड्राइव खेलना है आपको बहुत पसंद है, तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, आपको खेलना ही है। तो सचिन ने तय कर लिया कि मैं कवर ड्राइव, इवन परफेक्ट गेंद से मैं कवर ड्राइव नहीं खेल। तो एक नया अप्रोच लाए और उन्होंने बिल्कुल टेम्पटेशन पे नहीं गए, और ये नए अप्रोच पे, नए आउटलुक पे उन्होंने कवर ड्राइव नहीं खेला। अगले टेस्ट मैच में उन्हें डबल सेंचुरी, यस मैम, 241 नॉट आउट था। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऐसे ही है, तो जब हम हमारे जो टीम मेंबर्स भी जो है, अगर हम देखें, हमको देखना है कि भाई ये प्लान ए नहीं चल रहा है, हमें प्लान बी के बारे में ये दूसरा प्लान बनाए। या पहले हम सोचते थे कि हम अकेले अकेले काम करते नहीं, हम मिलजुल के एक दूसरे से आइडियाज ले, एक दूसरे के वो किसी, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा तो उसका आइडिया बहुत अच्छा है। तो अगर, और अगर आप जैसे आप देखें कि कोई टीम मेंबर भी ठीक से नहीं चल रहा है उसकी जिंदगी, आप उसको, उस पर गौर रखिए, उस पर नजर रखिए, बोले कि भाई क्या बात है, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। तो एक दूसरे, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना सब लोग आपके ना कोई फैमिली में, लड़कियों में, लड़कियों के फैमिली में, गाँव में, सब लोग पॉजिटिव रखेंगे, बोले कि भाई यू नो, उनको पुश कीजिए, उनको ये इनकरेज कीजिए कि भाई चलिए हम कोई दूसरा सोचते हैं इसके बारे में, एक नया, ये नया कुछ बनाते हैं। तो अपने टीम के बारे में, तो नया स्किल कुछ सीखना, तो ये सब चीज बहुत बहुत जरूरी है। और बहुत लोग ने शुरू किया, जैसे किसी ने बोला कि मैंने एक्सेल शुरू किया, किसी ने बोला मैंने भाषा सीखा, किसी ने बोला मैंने एक नया टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ चीज, किसी ने देखा। तो इसलिए हम एक दूसरे पे विश्वास रखें और विश्वास करेंगे कि मेरा एक कि वो भी कर सकता है। कभी कभी कोई होता है कि भाई सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, लोग सब में ये नहीं है कि मैं ही अच्छी तरह से ये कर सकते हूँ, माइक्रो मैनेजिंग हम कहते हैं इसके बारे में। तो मेरा एक क्लाइंट था, वो बहुत सीनियर ऑफिस एक कंपनी में, तो उन्होंने कहा कि लीला मेरा बहुत माइक्रो मैनेजिंग की आदत है, अभी क्या है ये कोविड में मैं मेरे टीम के साथ काम कर रहा हूँ, अभी मैं माइक्रो मैंने इतना तो नहीं देख सक रहा हूँ कि वो बैठ के हर चीज कर रहा है, तो मेरे अभी मैं बोलता हूँ उनको, डायरेक्शन देता हूँ कि ये करें, पर मैं उसके कंधे के ऊपर झांक के तो नहीं देख सक रहा हूँ कि वो क्या ठीक से कर रहा है कि नहीं, जैसे मेरी आदत है। बोले अभी क्या है, हम दोनों में विश्वास पैदा हो, मैं उनको ट्रस्ट करने लगा कि हाँ वो वाकई कर सकते, लेकिन ये बहुत जरूरी चीज है। तो हमें ये सब चीजों को करने का बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज राजीव। सो अभी हम थोड़ा टिप्स देखेंगे, टिप्स ज्यादा सहनशील बनने में। पहले है कि कनेक्शंस, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें, लोगों के साथ कनेक्ट करें, देखें। पर अगर मुसीबत है
क्राइसिस है ये नहीं है कि हम कभी उसे पार नहीं कर पाएंगे. अगर ऐसे सोचे तो कुछ होगा ही नहीं जिंदगी में. चेंज है, चेंज इज अ पार्ट ऑफ लिविंग. हर दिन हमें, हम कितना देखे हैं हमारे माँ बाप को कंप्यूटर वगैरह के बारे में. मेरे दादा को 30 40 साल 50 साल पहले उनको क्या आता था कंप्यूटर. अभी हम लोग कंप्यूटर और इंटरनेट वगैरह के अलावा हम जी नहीं सक रहे. सो चेंज इज अ पार्ट ऑफ लिविंग. हर दिन कुछ नई चीज होगी और आपका जो गोल्स है आप उसी तरफ चलिए. लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज इन सेल्फ डिस्कवरी. आप शायद, हम लोग सब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई लॉयर बनता है, कोई टीचर बनता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर बनता है. कभी कभी हमें मालूम ही नहीं हम हमारे दूसरे स्किल्स क्या है और दूसरे स्किल्स थे भी नहीं इतने, इतनी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थे. अभी हम देख रहे हैं कि बहुत मौका है, कोई मीडिया में काम कर रहे हैं, कोई ये काम कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि भाई बहुत अपॉर्चुनिटीज है और शायद हमें ऐसी चीज है जो हम अपने आप को डिस्कवर कर सकते हैं कि हमारे अंदर ऐसे है वो. मैं इसमें भी बहुत अच्छी हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मुझे इंटरेस्ट है, मैं देखूँ मैं कर पाऊंगी कि नहीं. तो वो भी बहुत जरूरी चीज है रेजिलियंस की. और नर्चर ऑफ पॉजिटिविटी के साथ के बारे में तो हम बहुत कुछ बात कर किए हैं. डिसाइसिव एक्शन लेना, ये होगा नहीं होगा, करेंगे नहीं करेंगे, अरे डिसाइसिव एक्शन ले. दूसरों का मदद ले, टीम का मदद ले, सब लोग से बात करें कि भाई ये क्या करना अच्छा है और एक्शन ले. ये जो पेंडुलम हम बोलते हैं ना कि हाँ ना हाँ ना, उस स्टेज में उस स्थिति में ना रहे. एंड कीप थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, जो मुझे जरूरी है, जो मुझे करना है, ठीक है. तो नेक्स्ट प्लीज राजीव. सो ये एक है कि आपको कैसे मालूम होगा कि, जैसे कल डॉक्टर रोमा ने भी कहा कि भाई इमोशनल चीजों में आपके टीम में, आपकी लड़कियों में, आपके फैमिलीज में, आपके माँ बाप ने क्या सब चीजें हैं जो आप नोटिस कर सकते हैं. जैसे कोई बहुत एंग्शियस है, बहुत फिकर में है, पहले से ही आप उनको इसको बढ़ने ना दें, पहले से ही आप उसका सामना करें, पहले से उनके बारे में अगर आप ये देखें कि कोई ऐसे एंग्शियस और वरिड, तो वो जब छोटा है तो ही आप उनको मदद कर सकते हैं. सब लोग एकदम सहनशील नहीं हो सकते, एकदम तो आपके तरह, या कोई देखते हैं आप कि उन्हें कुछ, कोई डिप्रेस हो रहा है, कुछ खुश नहीं लग रहा है, सडनली मैं देख रहा हूँ दिन ब दिन कि भाई ये ठीक नहीं है, या कोई जो बिल्कुल बहुत शांत स्वभाव के आदमी या औरत थी, सडनली मैं देख रहा हूँ कि बहुत इमोशनल आउटबर्स्ट है, तो क्या कर सकते हैं. एक मिनट, पांच मिनट, क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम, कुछ परेशानी है घर पे, कुछ ऐसे लग रहा है, कुछ कुछ कमी है, किसी चीज के बारे में फिक्र हो, तो उनको भी अच्छा, किसी के साथ बांटने में वो जो प्रॉब्लम होता है वो आधा हो जाता है, बोलते हैं. तो वो आपके साथ बात करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा. आपके जो किसी के परिवार है, किसी माँ बाप है, किसी लड़की के माँ बाप है, उनसे भी कभी कभी समय निकालिए, उनसे भी बात करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, मैं किसी और को मदद कर सक रहा हूँ. देख रहे हैं कि कोई बहुत सो रहा है. कल किसी ने बोला था, मैं डॉक्टर रोमा कह रही भाई मुझे पता नहीं है लॉकडाउन में बहुत नींद आ रही है. वैसे कोई लोग मुझे बोल रहे हैं कि लेना पता है मुझे लॉकडाउन में नींद ही नहीं आ रही, मैं हर एक आधा घंटा एक घंटे में उठ के फिक्र. ये सब साइंस है, साइंस है कि इमोशनल हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, उनको मुझे मदद करना चाहिए. वेट के प्रॉब्लम्स है, या तो कोई घर बैठे बैठे बहुत खा रहे हैं, बहुत भूख लग रही है, किसी को टेंशन वैसे चलता है, किसी का है कि भूखी चली गई, कोई बहुत चुपचाप, बहुत पहले बहुत अच्छी तरह मेरे साथ बात करते थे, मैं देखता हूँ कि वो बहुत चुपचाप रह रही है. मेरे क्लास में भी मैं देख रही हूँ कि ये लड़की बिल्कुल अभी बहुत चुपचाप, खुश नहीं लग रही. पहले से ही उसे बुला के उसके साथ बात करो, उसे समझाओ, उसकी प्रॉब्लम्स सुनो. सब्सटेंस अब्यूज तो कोई देख रहे हैं कि भाई कभी किसी ने कभी दारू ही नहीं पिया कि कुछ और ले रहे हैं, कि कोई बहुत नींद की गोलियां ले रहे हैं रात को, या कोई बोल रहे हैं
मैं बहुत गिल्ट फील कर रहा हूँ अभी. लोगों को ऐसे भी लगता है कि अभी मैं, मेरे घर में इतना प्रॉब्लम था, अब मैं घर से वापस आ रहा हूँ, भी क्या प्रॉब्लम हो रहा होगा, मेरे माँ बाप को क्या हो रहा, या मैं कुछ काम का नहीं रहा, या मैं कुछ काम की नहीं रही. ये सब साइंस है, या कोई बिहेवियर में या फीलिंग्स में लोग बदल रहे हैं. सो ये सब चीजें बहुत, आप कैसे, आप सोचिए कि ऐसे टीम मेंबर्स में, अपने परिवार में, अपनी लड़कियों में अगर आप ऐसी चीजें देखें, तो आप सोचिए कि मैं पहले से ही उनको मदद करूँ, मैं कैसे मदद करूँ, उनके इन सब चीजों के बारे में कुछ बोलूँ, कुछ पूछूँ, हो रहा है, तो ऐसे आप दूसरों की मदद कर सकें. ठीक है, तो ये सॉर्ट ऑफ ऐसे, इसलिए मैंने ये ग्राफिक दिखाया है कि आपको समझ में आएगा. नेक्स्ट प्लीज राजीव. सो 9 चीजें जो आप इस समय में आपको मैनेज करना पड़ेगा और मैनेज करना चाहिए. चीज है असलियत को जांचे, रियलिस्टिक, फॉल्सली ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं, फॉल्सली नहीं, पेसिमिस्टिक भी नहीं, सेंसिटिव, जैसे मैंने वो पहला स्लाइड दिखाया था, इसके पहले वाला, कि लुक आउट फॉर साइंस ऑफ ब्रेकडाउन सिम्टम्स, बी सपोर्टिव. इसलिए मैंने बोला आज हम लोग सब एक साथ बात करेंगे, हमको क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट करें, या क्रिटिकल, या कोई इतने महीनों के बाद आया है, कोई ठीक से कुछ काम नहीं किया है, उसके ऊपर गुस्सा करना, बी ट्रस्टिंग, ट्रस्ट पीपल, विश्वास रखें लोगों पे, और वो ठीक ठीक कर लेंगे. उनको जितना आप ट्रस्ट करेंगे, उतना उनको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना वो कर पाएंगे. इंक्लूसिव, जब मुझे डिसाइड, मैंने बोला कि हमको डिसाइसिव होना चाहिए, सब लोगों का डिसीजंस पूछना, छोटा मोटा आदमी से लेके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटेलिजेंट आदमी को लो. हम एक दूसरे से, वीडियो ने भी हमें दिखाया कि हम एक दूसरे का कैसे राय ले सकते हैं, काम होना चाहिए, शांत होना चाहिए, डिटरमिंड, डिसाइसिव, लीड बाय एग्जांपल. आप ये हैं, आपकी तरफ देखेंगे लोग, आपको, आपके परिवार में भी आपके तरफ देखेंगे. और अगर कुछ नहीं जानते हैं, कल भी बात किए थे इस पे, मदद, गेट हेल्प, गेट गाइडेंस. नेक्स्ट राजीव प्लीज. सो अभी हम ये सब चीज सुने हैं, सुन चुके हैं, तो हम अभी कैसे मदद करेंगे, हमारी लड़कियों को कैसे मदद करेंगे, उनके माँ बाप को कैसे मदद करेंगे, हमारे टीचर्स को कैसे मदद करेंगे, वापस बाउंस बैक करने में. आप कुछ शेयर कीजिए. सो आप क्या कर सकते हैं अभी ये सब सुन के, बताइए, शेयर कीजिए, कुछ भी बताइए, आपके मन में क्या आया, एक चीज जो मैं सोचता हूं कि मैं कर सकता हूं. मैम एक तो Hello? मैं इसमें बताऊं कि जो मतलब मैंने फील्ड में जाके ऑब्जर्व किया और इन चीजों को जो आज जब भी देख रहा था मैं, उन चीजों को ऑब्जर्व किया है कि क्या बच्चों को जैसे कहीं मतलब अगर उनके साथ स्टार्ट करना है तो कहीं ना कहीं हमें बच्चों के साथ तो एक गेम से उस टाइप से स्टार्ट करना पड़ेगा कि उनको ये भी ना लगे. क्योंकि मैंने कल परसों भी 3-4 दिन में बच्चों की मेंटेलिटी देखी कि बच्चा पढ़ने में मन लग रहा है, जब मैंने उनसे बातचीत की तो पढ़ाई के नाम से भी वो बच्चे बहुत दूर भाग रहे हैं कि बस उनको मजा आ रहा है कि आजकल खेलने को मिल रहा है. तो वो कहीं ना कहीं अगर हमें उनके साथ एक इंक्लूजन करना है तो चलो खेल के थ्रू ही हमें एक मतलब उस टाइप से कि उस तरह का कुछ करना पड़ेगा हमें इनोवेटिविटी या टीचर्स को हमारे खेल के थ्रू एक बार उनसे एक रिलेशन बनाए और उनके बीच में घुसे फिर उसको धीरे धीरे उधर मोड़ करके ले जाना है एजुकेशन. क्योंकि अभी अगर हम उनके लिए एजुकेशन की बात करेंगे बच्चों के साथ में तो एज वो हमें एज ए विलन की टाइप में देखते हैं कि इसने एजुकेशन की बात क्यों कर दी हमारे साथ में, तुम्हारा खेलने का टाइम है. क्योंकि पिछले एक लॉन्ग एक गैप हो गया ये पिछले 3-4 महीने का कि बच्चे स्कूल से बिल्कुल एजुकेशन से हट गए हैं, कोई उनके साथ इस तरह से बात करने वाला भी नहीं था, काफी बच्चों के साथ इस तरह कोई बात करने वाला भी नहीं था क्योंकि उनको एजुकेशन के बारे में बता दें. इवन तो कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पे कुछ लोग पढ़े लिखे थे, उन्होंने अपने बच्चों को बैठाया भी है
बट वो उतना इफेक्टिव नहीं लगा जो मैंने, मेरा मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि फील्ड में जाकर के। बट ये है कि कहीं ना कहीं बच्चों के साथ उधर से ही एक मतलब एक रिलेशन बना करके एक वापस से, क्योंकि रिस्टोर आपने बोला बाउंस बैक, तो अभी क्या है टीचर का भी कनेक्शन नहीं रहा, उसको बाउंस बैक करना पड़ेगा बच्चों के साथ। तो वो है कि किस तरीके से रिलेशनशिप बिल्डिंग हो बच्चों के साथ, और वही खेल के थ्रू ही वो उनके साथ गेम स्टार्ट करे उस टाइप के, और उसके ताकि रिलेशन बन जाए, फिर उसको धीरे धीरे उधर मोड़ के ले जाए। ये मेरा मतलब मेरा ये मानना है जितना मैंने ऑब्जर्व किया उसके भी आप पे, इन दोनों चीजों को मेरा कंक्लूजन ये निकलता है, इन दोनों चीजों को जो फील्ड का रियलिटीज है और जो भी मैंने इनमें देखा इनको निकल। बहुत 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 अच्छा ऑब्जर्वेशन है अनुज आपका, और सही बात है कि अगर हम टीचर्स वगैरह हम लोग खुद बच्चों को उनके जैसे खेल कूद से शुरू करें, वहां भी बहुत सिखा सकते हैं। तो वो बहुत बहुत, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था आपका, थैंक यू अनुज। और कोई? यस मैम, एक हम ये है कि जैसे मैं एक शेयर करना चाह रहा था कि एक बच्चों के साथ अब हम बिल्कुल पॉजिटिव थॉट के साथ शुरुआत करें, कि अभी जैसे पीछे हुआ अगर हम उन्हीं सब चीजों को कोरोना और उन सब चीजों को अगर लेकर बच्चों के साथ शुरुआत करते हैं तो बच्चों में एक नेगेटिविटी जन्म लेती है, तो बिल्कुल पॉजिटिव उसके साथ हम और बिल्कुल एकदम बच्चों के साथ घुल मिल कर अंदर जा करके कि जैसे पीछे कुछ हुआ ही नहीं, प्रीकॉशंस को लेते हुए और उस तरीके से हम काम शुरू करें। क्योंकि जब जैसे हम देखते हैं कि बॉल को जितना नीचे हम मारते हैं तो उतनी ही दोगुनी चार गुनी ताकत से बॉल जंप लेती है और ऊपर जाती है, तो हमें उसी चाल से अपने आप को आगे बढ़ाना है बिल्कुल एकदम सकारात्मक सोच के साथ। और यही चीज हमें कम्युनिटी के साथ भी हमें करनी है, बच्चों के साथ भी हमें करनी है, और बार बार हमें ये जो कोरोना का जो दर्द है कि ऐसा हो गया या ऐसा हो सकता है, तो वो थोड़ा सा लोगों का जो मनोबल है उसे गिर रहा है फील्ड में। जैसे अभी हम देख रहे हैं बातचीत कर रहे हैं, तो अगर बार बार हम कोविड के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो थोड़ा सा लोगों का मनोबल अभी गिर रहा है, और जैसे उससे मतलब बात कर रहे हैं कि अब आगे कैसे किस तरीके से किस रणनीति के साथ। आपकी आवाज बीच में मौसम चली गई है, एक बार काम करना है एक दूसरे के सपोर्ट को लेकर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और कोई? और हाँ, हाँ, तो गाँव में लोग वो जिस तरह से वो खुल के हमारे साथ बात करते थे, वो कितना लोगों के साथ बात करते थे, ये भी है कि वो हम और जो हमारे टीचर्स है वो कितना एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो इसका फर्क भी पड़ता है हमारे मनोबल पे। तो जैसे अगर हम टीचर के साथ जुड़े वापिस तो हम उनको जैसे हम आपको अपने बता रहे हैं अनुभव एक्सपीरियंस के हमारे पिछले 3-4 महीने में कैसे अनुभव रहे हैं, तो यही अनुभव अगर हम टीचर से बात करें कि उन्होंने कैसे क्या फेस किया, क्या अच्छा किया, क्या उन्होंने अपने लिए नया सीखा, तो शायद वो उनको थोड़ा मोटिवेट करेगा कि इन चीजों से बाहर निकलने में, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके साथ ज्यादा बातचीतें नहीं हो पा रही है और वो ये फ्यूचर को लेकर भी वरीड होते हैं कि हाँ ठीक है हम पता नहीं हमारा काम कब स्टार्ट होगा, हम बच्चों के साथ कब काम शुरू कर पाएंगे। तो टीचर के साथ भी वही प्रॉब्लम है कि वो भी ज्यादा कहीं बातें नहीं कर पा रहे होंगे ज्यादा, तो एक मंच देना उनको कि जहां वो बातें रख पाए, जहां हम उनकी सुन पाए और एक 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 थोड़ा सा नॉर्मल वातावरण बना पाए जहां पे वो थोड़ा पॉजिटिव आगे के लिए सोच सके। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू। और कोई कुछ कुछ ऐड करना चाहेगा? ओके नेक्स्ट प्लीज राजीव। अच्छा हम अभी एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, आप बहुत कंफर्टेबली बैठिए, हाँ जहाँ पे भी आप बैठे हैं अपने कुर्सी पे पैर को जमीन पे रखें, आंखें बंद करें, ये एक विजुलाइजेशन एक्सरसाइज है हा? और आप बिल्कुल रिलैक्स करें, इनहेल करें, आंखें बंद करें, इनहेल करें, माने सांस लें अंदर, और जब आप एक्सहेल करेंगे सांस बाहर तो अपने जो कंधे हैं, जो अपना जो गर्दन है, वहाँ पे जो टेंशन है जो लग रहा है
जोर से आराम से एक्सहेल करें, फिर से आंख बंद करके इनहेल करें, फिर से टेंशन बाहर फेंकते हुए एक्सहेल करें, फिर से आप इनहेल करें, फिर से आप एक्सहेल करें, फिर आंखें बंद किए हुए सोचिए कि मैं एक बहुत सुंदर जगह में हूँ, वो या ब्लू आसमान है, एकदम नीला आसमान है, मैं एक सुंदर बगीचे में हूँ, या मैं एक नदी के किनारे बैठा हूँ या बैठी हूँ, या मैं एक समुन्दर के तट पे मैं लहरों को देख रही हूँ। तो वैसे बैठ के आप सोचिए, आपको जो भी मनपसंद जगह है, एक बगीचा है या नदी है या जो भी है या एक समुद्र है, आप सोचिए कि मैं वहां बैठा हुआ हूँ, मेरे आंखें बंद है, मैं बहुत आराम से बैठा हुआ। अभी मैं आपसे कहूंगी कि आप सोचिए कि 6 महीने में, मतलब अभी जुलाई है तो दिसंबर जनवरी में मैं क्या देखूं मेरे परिवार के लिए, खुद के लिए, मेरे टीचर्स के लिए, मेरे लड़कियों के लिए, हमारे स्कूलों के लिए, हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, हमारा माहौल क्या है, असलियत क्या हो रहा है। अभी मेरे हाथ में एक मैजिक वॉन्ड है, मैं एक फेरी हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको जो भी मर्जी है, जो भी आप चाहेंगे वही होने वाली है। तो आप वो सोच रख के मन में सोचिए कि आपको, आप क्या देख रहे हैं, आपके मन में क्या सीन्स है, आप क्या विजुलाइज कर सक रहे हैं कि आप अभी, आपका परिवार, आपका स्कूल कैसे है, आपका कंपनी कैसी है, इम्पैक्ट कहाँ तक पहुंच गए, और कुछ भी आपको जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। सारा नेगेटिव चीजें अपने दिमाग से निकाल के सिर्फ पॉजिटिव के बारे में सोचिए, सोचते रहिए क्या अच्छी अच्छी चीजें हो रही है मेरे परिवार में, हो रही है मेरा लड़का पास, वो पास होने वाला है, मेरे माँ बाप बीमार थे, कोई मेरी माँ तबीयत ठीक हो गई है, कोई कुछ और जो फैमिली में चाहिए था अभी सब चीज ठीक ठाक चल रहा है। फिर अभी के बाद अब 1 साल आगे का सोचिए, अगले जुलाई में आपके मन में अगर फिर से मेरे पास आपके लिए एक मैजिक वॉन्ड है, आप सोचिए कि मैं अभी कहाँ हूँ, क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, क्या चल रहा है मेरे परिवार में, हमारा इम्पैक्ट का जो, ये जो सब स्कूल्स हैं हमारी लड़कियों, उनका सबसे अच्छा क्या है, किसी ने जो पास आउट किया है, किसी ने जो ख़त्म किया है स्कूल टर्म, उनका, उनके साथ क्या हो रहा है, वो अगले क्लास में गए हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, मेरे बच्चे ने बोर्ड एग्जाम पास किया है, उनके साथ क्या हो रहा है, और सब पॉजिटिव चीजें देखिए, ख्याल लाइए अपने मन में 1 साल बाद के बारे में, सोचिए ध्यान से अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचिए। अभी धीरे धीरे अभी प्रेजेंट में वापस आइए, फिर से इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए और आंखें खोलिए। और अगर आपके पास कोई पेन और पेपर हो, उस पे लिखिए कि आपके मन में, आपके दिमाग में क्या क्या ख्याल आए थे, आपने क्या क्या देखे 6 महीने के बाद के लिए और 1 साल के बाद के लिए, क्या ख्याल आए आपके मन में, क्या आपने क्या देखा, आपने क्या पॉजिटिव चीजें देखी, लिख दीजिए, लिखिए 2-3 मिनट लीजिए, लिखिए, और जो शेयर करना चाहे प्लीज शेयर कीजिए। मैं सुनना चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी में आपने क्या पॉजिटिव चीजें देखी है, शेयर कीजिए। रामचंद्र, आपने क्या देखा, आपने क्या महसूस किया? जी मैडम, मैं दिसंबर तक के लिए जब सोच रहा था तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे सेंटर अब वापस शुरू हो गए हैं,
बच्चियां हमारी सब आने लगी है और लेकिन सबके चेहरे पे मास्क है। मैं भी सेंटर पे जा रहा हूँ, मास्क लगाए हुए हूँ और इसको एक नॉर्मल प्रोसेस में हम ले रहे हैं कि हाँ हम नई परिस्थितियों में हैं लेकिन सब चीजें पहले की तरह हम नॉर्मल वे में कर रहे हैं। जब मैं सोच रहा था नेक्स्ट जुलाई तक हम क्या कर रहे हैं, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि इम्पैक्ट के साथ में बहुत सारे डोनर और जुड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपके प्रोग्राम के साथ में जुड़ करके जो प्रोग्राम आप बच्चियों के लिए कर रहे हैं उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं, आप नई जगह और ढूंढिए, वहाँ के लिए हम स्पॉन्सरशिप आपको देंगे। बहुत बढ़िया, आपके मुंह में घी शक्कर रामचंद्र जी। जी मैडम, और जब मैं परिवार के बारे में सोच रहा था तो ये था कि हाँ मेरे परिवार में अभी जब मैं घर पे बैठा हूँ और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन मैं जब नेक्स्ट ईयर में जाकर के देख रहा हूँ तो लग रहा है कि सब चीजें पहले से और ज्यादा बेहतर है। बच्चे सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं और अर्निंग भी हम लोगों के परिवार की बड़ी है और हम कुछ नया करने के लिए सोच रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। और कोई? और कोई शेयर करने चाहेगा, चाहेगी? जो भी आपने देखा, विजुलाइज किया, सोचा, आप प्लीज शेयर कीजिए। मैम अगर मैं बात करूं कि दो, जैसे दो एस्पेक्ट थे, एक प्रोफेशनली एक पर्सनली। अगर मैं बात करूं कि मैंने अगर प्रोफेशनली अगर मैंने पॉजिटिव चीजों को देखा जी, है ना, तो मैम मैंने देखा कि हम जिस तरीके से पहले काम करते उसमें थोड़ा चेंज आ गया कि ये जरूरी नहीं कि हम एजुकेशन के साथ साथ कुछ और भी चीजें बच्चों के साथ कर रहे हैं। जिस तरह के इश्यूज थे जो हमने शेयर किए थे ऊपर, उन पे काम हो रहा है, जैसे हाइजीन से रिलेटेड है, ट्राइब्स के साथ, और हम उनको जो मुश्किल फेसेस, जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनकी हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये मैंने पॉजिटिव देखा प्रोफेशनल लाइफ में कि हाँ पढ़ाई के साथ साथ तुम हम और भी चीजों को ऐड कर रहे हैं उन बच्चों के साथ। और मैम पर्सनली फैमिली में थोड़ा सा भी कुछ जैसे कि मतलब मेरी फैमिली में कुछ मेडिकल इश्यूज हैं, गायनिक प्रॉब्लम है मेरी वाइफ को, तो मैं देख रहा हूँ कि नेक्स्ट दिसंबर तक मैं ओवरकम हो जाएंगे वो चीजें और वो ठीक हो जाएगा, तो ऐसा मतलब पॉजिटिव में मैंने ये देखा। वेरी गुड। और कोई और? देवोलीना, और कौन शेयर करना चाहेगा? हाँ, बोलिए। मैम मैंने जो देखा कि जैसे कि लॉकडाउन की वजह से हम लोगों का जो नॉर्मल वर्क प्रोसेस था वो रुक गया है, पर मैंने यही देखा कि मैं दिसंबर तक ऐसे नॉर्मल सब कुछ होते जा रहा है और जिसमें मैं मास्क नहीं पहना हूँ, मतलब मैं ऐसा एक वर्ल्ड देखना चाहती हूँ हमेशा। तो वही मुझे ऐसा लग रहा कि हर कुछ नॉर्मल हो रहा है जैसे पहले था, वही जस्ट मैं विजुलाइज की। वेरी गुड, थैंक यू। और कोई? प्रीति, आपने क्या विजुलाइज किया? आई थिंक मैंने ओवरऑल बहुत ग्रीनरी और हैप्पीनेस देखी। मुझे दोबारा से ऐसा लगा कि हमारा दोबारा से वही रूटीन शुरू हो गया है। इनफैक्ट मैंने एक स्टेज वो भी देखी जब हम कह रहे हैं ओ गॉड सेम रूटीन, यू नो कितना मजा आता था लॉकडाउन में घर बैठ के खाना बना के ये सब करते थे, तो मैंने वो पॉइंट भी विजुलाइज किया। और सब जने रूटीन में है, सब जने बिजी है, हर तरफ हैप्पीनेस मुझे दिखी और बहुत ग्रीनरी दिखी। और कहीं ना कहीं मैं ट्रैवल कर रही हूँ फिर से अपने यू नो लर्निंग सेंटर्स में जा रहे हैं, ट्रेनिंग्स कर रहे हैं और सब कुछ और बेटर हो गया है, मुझे ऐसा यू नो दिखाई दिया। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज राजीव। तो की टेकअवेज है, बेन नॉट ब्रेक, पेड़ की तरह, नारियल की पेड़ की तरह असलियत को एक्सेप्ट करें, अडेप्ट करें, इनोवेट करें, रीसेट करें अपने गोल्स को, प्रायोरिटीज को, एक्सपेक्टेशंस को रीबैलेंस करें, रिचार्ज करें। कुछ सिम्टम्स रिकग्नाइज करना चाहिए, हम में, हमारे पड़ोसी
हमारे काम में, कॉलीग्स में इमोशनल सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए. थ्री टेक अवेज, की टेक अवेज. नेक्स्ट प्लीज राजीव. तो ये कौन है, कोई मुझे बता सकता है कि ये कौन है? नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला की वे आइसोलेशन में, वे प्रिजन में थे 27 years. उनका ना परिवार था उनके साथ, लग्जरीज नहीं थे, फोन हमारे तो घर पे हमारे खुद के लग्जरीज हैं, हमारे फोन भी नहीं था. सिर्फ एक आशा और एक विजन. हमारा तो साथ में उनके 27 या 27 साल, हम भी ये कर सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज राजीव. सो एसेंस क्या है, एसेंस ये चीज़ है कि आई कैन डू इट, नॉट आई कांट डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ. नई सवाल ही निकालना चाहिए, नई शब्द. तभी मैं चाहती हूँ कि आप पेन और पेपर लेके अपने पास 3 चीजें लिखिए जो आप करेंगे. इस सेशन से आपने क्या सीखा और आप क्या करने वाले, 3 एक्शन जो आप लेंगे इस सेशन के वजह से. तो 2-3 मिनट लीजिए और लिखिए ये 3 चीजें मैं करना चाहती हूँ और मैं करूँगी. मैंने ये सीखा है या मैं ये जरूर करूँगी और इस पे मेरा ध्यान नहीं था तो मैं ये करूँगा. 3 चीजें जो सबसे अहम महत्वपूर्ण चीजें हैं आपके लिए जो आपने इस सेशन से सीखा है. सो लिखिए. और जिसने लिखना खत्म किया वो मुझे बता सकते हैं, हम सबको बता सकते हैं कि 3 चीजें क्या है जो उन्होंने लिखा है. शेयर कीजिए प्लीज, आपने क्या सीखा, आपको क्या लगा कि ये 3 चीजें हैं जो मैं जरूर करूंगा या करूंगी. जी मैम, मैं शेयर करना चाहूंगा. जी बताएं. पहली चीज तो ये है कि अभी तक जो स्किल्स आई हैं, अगर नहीं भी आई हैं तो अभी भी काफ़ी टाइम है नई स्किल्स को सीखने के लिए और रिफ्लेक्ट करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें अभी चाहिए हमें जो हमारी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकती हैं और इम्प्रूव कर सकती हैं, स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम. ज़रूर. दूसरा, हमें होपफुलनेस और फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा और इम्प्रूव, मतलब उसमें एडिशन करना है कि हमें और ज़्यादा होपफुल रहना है चीज़ों को, मतलब निराश जल्दी नहीं होना है. और दूसरा, अगर चीज़ें हमारी सोच से या हमारी इमेजिनेशन से विपरीत चली जाती हैं तो हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होके उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश करना है ताकि वो ब्रेक डाउन ना हो. वेरी गुड. हाँ, तो ये 3 चीजें थी. थैंक यू अनुज, थैंक यू. दिस इज सईद. सईद. ओ सईद, सॉरी. ओके, इट्स कमिंग अप इज अनुज. सॉरी सईद. हां, बट मैंने जो 3 चीजें सोची है, एक है कि टू लुक फॉर दोस 9 साइंस दैट यू टॉक्ड अबाउट, वो अपने में भी और दूसरे में भी. And try and identify and support myself as well as others. Mm-hmm. एक है.
दो है, दूसरा है कि फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड ट्राई एंड नॉट टू थिंक अबाउट द थिंग्स दैट यू कांट, बिकॉज वी ऑफन टेंड टू डू दैट एंड आई डू दैट क्वाइट अ लॉट. एंड जो तीसरा है वो है ऑब्वियसली पॉजिटिव रहना और अडैप्ट करना ज्यादा. तो वो अगर हम खुद पॉजिटिव रहेंगे तो ही हम अगर खुद बिलीव करेंगे दैट वी कैन बाउंस बैक इज व्हेन वी कैन हेल्प द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स एंड एवरीबॉडी एल्स वी आर वर्किंग विद. सो एब्सोल्युटली थैंक यू, वेरी वेरी गुड एक्शन पॉइंट्स, थैंक यू. मैम मैंने जो तीन पॉइंट नोट किए हैं, एक फर्स्ट था मेरा बाउंस बैक विद पॉजिटिविटी, एंड सेकंड इज जो कंट्रोलेबल थिंग्स हैं उनको कंट्रोल करना, सो दैट के चीजें जो कंट्रोल में वो हम करें, और लास्ट था कि जो अपने आप को कस्टमाइज करना अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, कि जो अपने आप को एडजस्ट करना माहौल के हिसाब से, ये मेरा प्लान ताकि ये कर सके. ओके हेलो हेलो यस गुड आफ्टरनून मैम. मैंने जो तीन चीजें नोट किया है जो मैम ने भी बताया कि एक तो है हमें हर वक्त पॉजिटिव रहना है चाहे कोई भी सिचुएशन हो, एक हमें पॉजिटिव रहना है, दूसरा है कि हमें चेंज के हिसाब से खुद को तैयार करना है, कोई भी चेंजेस आए जो अभी पिछले कुछ दिनों से चल रहा है उसके हिसाब से हम जैसे अपने आप को जितना हो सके तैयार कर पाएंगे वैसा हमारे लिए अच्छा होगा, और दूसरी है खुद को हर वक्त मोटिवेट रखना और दूसरों को भी हेल्प करना, उनको भी मोटिवेट करना, ये तीन चीज. बिल्कुल थैंक यू. तो मुझे आशा है कि आप लोग सुखी रहें आपकी जिंदगी में और ये इस्तेमाल कर सकें, और थैंक यू फॉर शेयरिंग, क्योंकि सेशन सक्सेसफुल होते हैं, सफल होते हैं जब पार्टिसिपेंट शेयर करते हैं. जस्ट मेरे बोलने से जितना आप शेयर करेंगे उतना मुझे मालूम है कि आप अंदर से कितना असिमिलेट कर रहे हैं, कितना ले रहे हैं, तो थैंक यू उसके लिए और ऑल द बेस्ट आपके भविष्य के लिए. थैंक यू मैम. लीना मैम इफ यू प्लीज अलाउ वी कैन जस्ट टेक टू क्विक क्वेश्चंस इफ एनीबॉडी हैज. बीच में काफी बात की है और काफी कुछ किया है, बट अगर यू नो किसी के भी कोई सवाल हो तो लास्ट टू क्वेश्चंस ले लें लीना मैम प्लीज. हां जरूर. या कोई पूछना चाहेगा कोई सवाल, अगर किसी का कोई भी सवाल हो या कुछ शेयर करना चाहते हैं सेशन के बारे में या कुछ शेयर भी करना चाहते हैं वो भी ठीक है. मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा. जरूर. मैम जिस तरह का आपने एडॉप्टिव बताया कि मतलब अपने आप को सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से कस्टमाइज करना, मेरे हिसाब से ये जो था ये कहते हैं अर्ध सत्य था, क्योंकि मैंने कुछ चीज जो मैंने पढ़ा है उसमें था कि आपको दो चीजें हमें मतलब बचपन से मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बोली थी कि या तो सिचुएशन के हिसाब से खुद ढल जाओ या उनके हिसाब उनको अपने हिसाब से ढालो. फर्स्ट ट्राई करो कि सिचुएशन को अपने हिसाब से ढालो, अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनके हिसाब से खुद ढल जाओ, तभी आप जो है सर्वाइव कर सकते हो, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर सकते. अच्छा ओके, ये आपके दादाजी का कहने का था. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. और मैंने इसके बारे में पढ़ा भी है कि दो ही चीज होती है कि रियल लाइफ में भी या तो हम एडजस्ट कर सकते हैं या उन चीजों को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं. Very good. Thank you. ये था उस टाइम मतलब कि आप मतलब बता रहे थे तो मैंने कहा कि दो चीज मतलब मेरे हिसाब से दो चीजें हो सकती थी. Thank you, Anush. और पता नहीं वो कितना सही है वो मालूम नहीं, बट वो है मतलब मेरे को ऐसा लगता है. बिल्कुल बिल्कुल. जितना हमें ये सब चीजों का ज्ञान आएगा, जितने एक दूसरे से सीख सकेंगे वही, और हमारे जो दादा परदादा हैं जो उन्होंने जो हमें कहा था उस समय तो इतना खैर गौर से नहीं सुने थे, पर बाद में जब हम उसी स्थिति में आते हैं या एक स्थिति आता है जैसे कोविड हमारी जिंदगी में, तो हमें ये सब चीजें याद यू नो मन में याद आती है. ये सब वैल्यूज बहुत अच्छी वैल्यू सिस्टम्स है. थैंक यू अनुज. और कोई कुछ सवाल पूछना चाहेगी चाहेगी, कोई भी सवाल हो या कुछ शेयर करना हो, अनुज ने बहुत अच्छी बात शेयर की, और भी कोई ऐसे कुछ शेयर करना चाहते हो?
आई थिंक सबको काफी अच्छे समझ में आ गया है और सब अपने गोल्स रीसेट करने में लगे हुए. सो लीना मैम थैंक यू सो मच, यू नो दिस वॉज डेफिनेटली इंसाइटफुल. बहुत यू नो खुद को रेट्रोस्पेक्ट करना, खुद क्या सोच रहे हैं, कैसा फील करना है, यू नो वो एक सेगमेंट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और अच्छा था आई फील. यू नो एक तो है कि हम समझ रहे हैं कि हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं, किस इमोशन से, यू नो वी आर, यू नो, एंड सेकंड व्हाट डू यू डू नेक्स्ट, यू नो दैट एस्पेक्ट वाज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आई फील. एंड आई एम श्योर यू नो हमारे सभी साथियों को काफी इस चीजों से फायदा हुआ है और आगे हम यू नो उतना ही पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ेंगे. कैन वी ऑल स्विच ऑन आवर कैमराज एंड से थैंक यू टू लीना मैम. एंड इनफैक्ट शुभांगी मैम भी हमारे साथ हैं. आई वुड रिक्वेस्ट अगर शुभांगी मैम भी कुछ ऐड करना चाहें. संदीप सर है, शुभांगी मैम है. And let me also say a big thank you to your team as well, because you've been most professional and handled this really well, and you've been really helpful along the session yourself. Most professional behavior. Thank you. थैंक यू सो मच लीना मैम. अभी भी प्लेटफॉर्म ओपन है, अगर कोई भी कुछ शेयर करना चाहता है, बोलना चाहता है, प्लीज बोलिए. क्या कोई कुछ और बोलना चाहेगा? क्या सब जने थैंक यू बोलना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा के ये बोलना चाहता हूँ कि कल का और आज का जो सेशन रहा है, ये सेशन हमको एक नई ऊर्जा देने के लिए पर्याप्त है. और हम अब नए जो चीज़ें हैं, इन नई चीज़ों के साथ में कैसे अपने आप को ढाल करके चलना है, या जो परिस्थितियों जिनको हम अपने स्तर पर चेंज कर सकते हैं और अपने अनुकूल बना सकते हैं, उन स्थितियों को दोनों तरह से मैनेज करके हमको चलना चाहिए. और साथ ही ये है कि हम केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां पैदा करें. थैंक यू. और कोई कुछ बोलना चाहेगा? मैम ये जो दोनों दिन का सफर रहा था ना, ये जो सर, जैसा कि सर ने बताया, तो काफी एक मोटिवेशनल भी रहा कि हम जिस तरह के मतलब थोड़े खोए खोए से थे, थोड़ा सा आगे के लिए सोचने का भी दिमाग में आइडिया आ रहा है कि हाँ आगे के लिए सोचना है, जो होना था वो तो पीछे जा चुका है. तो ये दोनों दिन का सेशन मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा. थैंक यू मैम आपके लिए भी. थैंक यू. आई थिंक बिल्कुल रति ने बहुत अच्छी बात बोली है. राहुल? यस यस मैम. तो मेरा जो अभी ये दो दिन का सेशन से अनुभव रहा है कि सेल्फ के बारे में हम बहुत चीज जाने, जैसे बहुत सारे चीज हमें बहुत छोटे नॉर्मल लगते थे, ये एंजाइटी क्या होता है, तो सब बड़े लोगों का कहानी है, हम लोग तो फील्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है. तो जब इसको ब्रेक डाउन किया जा रहा था स्टेप वाइज स्टेप, तब हम समझ रहे थे ऐसे चीजों से हम दिन प्रतिदिन फाइट करते हैं, और कभी काल हमारी कोई थॉट होते हैं जो दिमाग में आ जाते हैं, जो हम नहीं मिटा पाते उसको, तो ऐसे उस टाइम आता भी नहीं है दिमाग में कि हमको इसको लेके आगे किसी से बात करना चाहिए था, या कोई किसी को हमको शेयर करना चाहिए, बस लगता है इसको खुद फाइट करना है, खुद फाइट करना है. तो एक नया सेशन से ये लगा कि ऐसे जब चीज आए तो हम आगे किसी से बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमारा सोचने का तरीका भी बदले और हम डिप्रेशन में जाने से भी बच सकते हैं. तो ये दो दिन बहुत सही रहा मैम. थैंक यू प्रीति मैम, आपको भी जो सेशन इतना कंडक्ट, आप टाइम टू टाइम हम लोग को रिकॉल करवाया, क्वेश्चन भी मांगे, और मैम आपको भी मैम कि इस तरह का सेशन में आपने टाइम निकाला. थैंक यू. ग्रेट. आई थिंक और भी कोई कुछ बोलना चाहेगा तो हम दो मिनट और लेंगे लीना मैम के. आई थिंक मैम इज आल्सो हियर विद अस. जी मैम, कुछ लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि लास्ट टू डेज का जो सेशन था जो मैम ने अटेंड किया, कि इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल, कि जिस तरह की हम इन चीजों के बारे में जिस सामाजिक परिवेश में हम लोग आते हैं बात नहीं करते कि टेंशन है, डिप्रेशन है, या स्ट्रेस है, या मेंटल हेल्थ के बारे में. मतलब मैं बताऊं, हम जब रूरल में थे, बचपन से हम आते हैं, तो वहां पे लोग क्या करते हैं कि इसके ग्रह खराब चल रहे हैं, अगर बच्चा ऐसे करने लगता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, कुछ ऐसा होता है, तो लोग क्या बोलते हैं. और अभी भी जिस कम्युनिटी के साथ हम काम करते हैं वहां पे क्या, अगर बच्चे का जो बिहेवियर चेंज होता है तो लोग क्या बोलते हैं, किसी पंडित के पास लेके जाओ, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, बच्चा नहीं सुनता है,
ये जहाँ पे हम जिस कम्युनिटी का काम करते हैं, मैंने वहां भी ये चीज फेस की है कि मतलब वो क्या करता है, अगर बच्ची नहीं सुन रही है ना, वो मतलब माँ बाप अगर उसको कुछ बोल रहे हैं वो इग्नोर है, वो अकेली चुप चुप रहती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि चलो जी पंडित के पास लेके चलो इसको वो। लेकिन हम जो एक्चुअल प्रॉब्लम है कि जिस तरह की हमने दो दिन में हमने सीखा कि वो स्ट्रेस है, डिप्रेशन में है या वो एंजाइटी है, हम उस चीज को नहीं करते। और ये काफी फ्रूटफुल था कि हमने भी काफी कुछ सीखा कि आगे अब ये है हमारा कि हम इसको खुद में भी इम्प्लीमेंट करें और जिन सोसाइटीज के साथ हम लोग काम करते हैं वहां भी हम इसको इम्प्लीमेंट करें। इट्स अवर ड्यूटी। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। ग्रेट, एनीबॉडी एल्स? हम लीना मैम का बहुत समय ले रहे हैं, पर सर मैम जेन्युइनली वी डोंट वांट टू पार्ट वेज। We are looking forward for more sessions like this, you know, because we really need this at this time. If we are happy, अगर हम एक you know खुद को समझ सकते हैं और खुद खुश हैं, तो आगे भी उसको लेके जाएंगे और हमारा काम है। Pay it forward. जो आप आज सीखे हैं, आगे चल के सब अपने कम्युनिटी, अपने फैमिली, उनको भी यही सिखाइए। Absolutely. तो यू नो आपका आज हमने जो भी सीखा, इनफैक्ट वो एक लार्जर ऑडियंस पे जाने वाला है और बहुत जल्द, बिकॉज हमारी टीम ने ऑलरेडी मूवमेंट स्टार्ट कर दी है। यू नो वी आर टॉकिंग टू टीचर्स, यू नो वी आर इंटरैक्टिंग विद देम, यू नो बिकॉज हमारी टीचर्स भी यू नो इस टाइम पे काफी डिस्ट्रेस में है, उनके उधर भी काफी कंसर्न्स है विद इन देयर फैमिलीज ऑल्सो। हमारी यू नो टीम काफी टीचर्स के साथ भी बात कर रहे हैं, यू नो अपार्ट फ्रॉम हेल्पिंग देम इन कॉन्सेप्ट्स एंड कोविड अवेयरनेस, इन सब चीजों के साथ साथ ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इस टाइम पर। तो यू नो हम ये नहीं बोल सकते हम सिर्फ एजुकेशन में यू नो लिटरेसी में और इंग्लिश, मैथ्स और न्यूमरेसी करवाने में लगे हुए हैं। दिस इज द टाइम व्हेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनके साथ उनको सपोर्ट करें किसी तरह से, उनसे बात करें, क्योंकि बाहर भी ज्यादा नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए बाहर किसी से ज्यादा बात नहीं हो पाती है। सिमिलरली जैसे अनुज ने बताया, अब बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन स्टार्ट कर दिया है, मूवमेंट पॉसिबल है इस वजह से। तो यू नो आज हमने जो भी सीखा है, आज हमने जो भी चीजों को यू नो अपने आप को कैसे अडेप्ट करना है, कैसे खुश रहना है, वो विल डेफिनेटली गो टू द लार्जर ऑडियंस एंड आई थिंक दैट्स द विक्ट्री पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो थैंक यू सो मच। एंड हेलो, I think somebody wants to say something. Hello. Anji. Yeah, ma'am. Sadiq, this side, ma'am. हाँ सादिक बोलो। मैं मुझे एक एक्सपीरियंस शेयर करना था पूरे ओवरऑल का। तो एक्चुअल में क्या था कि जैसे कल रवि सर बता रहे थे कि वो किसी पॉजिटिव केस के साथ में 2-3 दिन उन्होंने स्पेंड किए थे और पूरे प्रोटोकॉल उन्होंने जो भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन से सारे फॉलो किए थे, तो एक पॉजिटिव थिंक आती है माइंड में कि यार ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है। जब बंदा पहले लोग डरे हुए थे, तो अगर मुझसे कोई आज पूछे कि यार अभी क्या सिचुएशंस होंगी, कैसे आप लोग फील कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं और उनको अवेयरनेस का ही प्रोग्राम हम लोग अभी कर रहे हैं, तो जैसा अमिताभ बच्चन जी का जो मैम ने अभी एक एग्जांपल दिया था कि उन्होंने कि जो केस आया है कि अभी उनको पॉजिटिव हो गया था, तो अमिताभ जी ने तो पूरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए थे, ताली थाली भी बजाई थी, पूरा सब कुछ हुआ था, क्योंकि पूरा प्रोटेक्ट रहते हैं वो बंदे। तो कभी कभी ऐसा डर लगता है कि यार कभी सोचते हैं कि ऐसा नहीं होगा और कभी सोचते हैं कि यार इतना प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद भी ऐसा होगा। तो अभी आने वाली स्थिति थोड़ी भयावह है कि लोग अभी समझ नहीं रहे कि अभी और ज्यादा केसेस इम्प्रूव हो रहे हैं, तो पहले और अब की बनिस्पत तो लोगों में एक दहशत का तो है, ये बात तो है। तो वो ये पॉजिटिव थिंग को लेकर आगे जाना है। एक रीबैलेंस करना। हेलो, हेलो, हाँ जी, जी मैम। तो वही जो आज 2 दिन का जो सेशन था, एक पॉजिटिव थिंग बना है कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा, तो हमको लड़ना है, एक स्ट्रॉन्ग बनना है, लोगों के साथ मिलना है, डरना भी नहीं है बट डर भी है, तो दोनों चीजें तो हैं सामने। Yes, you are right. I think you know एक बार फिर सब जने मिलके थैंक यू बोल देते हैं। शुभांगी is also here. I think हम लोग सब ऑफिस में ही है, बट ठीक है, बट ऑल द बेस्ट टू यू ऑल्सो। थैंक यू मैम।
अनम्यूट कर लो. थैंक यू मैम. ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट. लीना शुभांगी सेइंग हेलो टू यू, बट थोड़ा सा शायद ऑडियो का कंसर्न है. ओके, नो प्रॉब्लम. से हेलो टू हर एंड आई होप शी अटेंडेड अ पार्ट ऑफ द सेशन एंड शी लाइक्ड इट. राइट शुभांगी, वी कांट हियर यू. आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम. थैंक यू शुभांगी. Thank you so much. Okay, not at all. Okay, everyone. Thank you for the time. Thank you, ma'am. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye-bye.